ओके नमस्कार आप सभी देवियों और सज्जनों को जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं मुझे सुनने के लिए आप सबका स्वागत है मेरे साथ इस वेबिनार में, इस नए सम्मेलन में। कृपया अगर आप सभी को मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो कृपया एक दबाएं। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कृपया एक दबाएं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रही है मेरी आवाज, जान के बहुत खुशी हुई। आइए अब बिल्कुल समय खराब ना करते हुए, ऐसे भी 5 मिनट जा चुके हैं, वेबिनार को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्वयं से आपको परिचित कराती हूँ। मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है और मैं मास्टर प्रॉफिट ग्रेजुएट हूँ इस कंपनी की, साथ ही साथ एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर यानी अनुवादक हूँ। भाषा को, अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में आप सभी के लिए अनुवाद करती हूँ। इसके साथ साथ मैं ऑफिशियल हिंदी कंसल्टेंट हूँ बैक ऑफिस के लिए, यानी कि आपके एक सलाहकार हूँ सपोर्ट सिस्टम पे, जो हमारी कंपनी का है। कोई भी समस्या रहती है तो बैक ऑफिस के ऊपर आप चैट कर सकते हैं मेरे माध्यम से, और जितना मुझसे बन पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी दिल और जान से आपकी सहायता करने के लिए। उसके साथ साथ मैं भागीदार हूँ हमारी कंपनी की न्यू की, और साथ ही साथ मैं स्काईवे की शेयर धारक हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं एक छोटे से मुद्दे के बारे में, जिसका नाम है कंप्लायंस डिस्क्लेमर, यानी कि अनुपालन अस्वीकरण। क्या है ये? सबसे पहली बात तो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही कुछ खास चीजें हैं, मैं बता देती हूँ कि न्यू जो है, आपको बड़े ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा, और साथ ही साथ आपसे ये भी मेरा एक अनुरोध है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको आपको पूरे आंख कान खोल के बैठकर ग्रहण करने की जरूरत है, और उसके लिए आपका कोई भी अगर सवाल बनता है तो आप उसको पहले ही नोट कर लीजिए। इस सत्र के अंत में आपको उसके बारे में, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही सवालों के साथ आपको विदा करें, सही जवाबों के साथ आपके, और संतुष्ट करके आपको भेजें। और आपके सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ बहुत ही जल्दी एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, जो पूरी लगन से इस कंपनी के साथ और पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं प्रथम दिन से, और वो आपके सभी सवालों का उत्तर देंगे। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, और आपको बताना चाहती हूँ कि न्यू जो है वो पंजीकृत ब्रोकर या एडवाइजर नहीं है। दूसरी बात जो आपके लिए जानने योग्य है वो ये है कि हम लोग प्रस्तुत आंकड़े केवल उदाहरण के लिए, यानी कि इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही फिलहाल दे रहे हैं, और हम वित्तीय सलाह नहीं देते हैं। इसके साथ साथ ये जितने भी व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी जोखिम आते हैं, हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोखिम जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसका दायित्व आपको स्वयं उठाना होगा। आपको पूर्ण रूप से उसके बारे में अपनी रिसर्च यानी अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको अपने रिस्क पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस व्यापार के साथ आप आगे जुड़िए, क्योंकि हर व्यापार कहीं ना कहीं जोखिम के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। इसके साथ अगली बात ये है कि आपको ये जो तत्परता से कार्य करना है कि किसी भी चीज में अगर आप कहीं से भी जुड़ते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करना, ये आपका कर्तव्य है और आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारा कंपनी का कंप्लायंस डिस्क्लेमर है। और इसके साथ साथ अपने देश में अनुपालन के लिए एक स्वकृत स्वैच्छिक या वित्तीय सलाहक से आप संपर्क कर सकते हैं, अगर आपके भीतर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही एक खास मुद्दा जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, और जिसके बारे में आपने कई बारी सुना भी होगा, वो है सपने। कहीं से भी जो हमारी कंपनी में जो भी बात शुरू होती है, या किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य जीवन चालू होता है,
वो कहाँ से, किसके आधार पे टिका होता है, क्या आप जानते हैं? उसका आधार उसके सपने होते हैं। अगर व्यक्ति के पास अपने सपने ही नहीं है तो उसका जीवन निराधार है, वो बस ऐसे ही जीने मात्र के लिए या शायद अपने जीवन को एक ढोने के लिए जीवन ढो रहा है, आप ये मानकर चलिए। अगर कोई सपना ही नहीं है तो व्यक्ति के पास भविष्य के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है उसका काम करना कैसा काम करना हुआ। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो है हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कुछ ना समस्याएं जुड़ी हैं, वो ये कि अगर एक व्यक्ति सच्ची लगन से अपना कोई सपना देखता भी है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने मन से अगर कोई सपना देखता भी है, हमारे आसपास वाले समाज वाले उसको क्या सिखा देते हैं कि पैसा तो कमाना गलत चीज है, पैसा बुरी चीज है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसे कमाने वाले लोग जो है वो तो खराब है, एक प्रकार का बेकार में एक शत्रु सा, एक इविल सा बना के रखा होता है पैसे और पैसे से रिलेटेड जो भी उस संदर्भ में जो भी बातचीत होती है, वो एक प्रकार से समाज उसको एक हीन भावना से ही देखता है। और इसी के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा जब विकसित होता है, बड़ा होता है, वो धीरे 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 समाज की बेफिजूल बातों को सुनकर अपने सभी सपनों का साथ, अपने सभी सपनों का दामन छोड़ देता है। और इसी के लिए हमारी कंपनी में जो हमारी कंपनी के CEO हैं, उन्हें कहा गया है मास्टर ऑफ ड्रीम रियलाइजेशन, यानी कि वो सपनों के निर्माता और सपनों को किस प्रकार से संपूर्ण करना है उसके लिए सही ओर दिखाने वाले मास्टर हैं, उनको किस तरीके से आप वास्तविक बना सकते हैं वो दिखाने वाले एक शिक्षक है वो। और वो हमेशा इस बात पे जोर डालते हैं कि आप जीवन में कुछ भी करें लेकिन अपने सपनों का साथ कभी ना छोड़ें, बुलंदियों के साथ आप अपने सपनों पे टिके रहें, क्योंकि वरना दुनिया क्या सिखाती है, उसकी वजह से व्यक्ति एक अजीब सी भेड़ चाल में फंस जाता है कि पहले आप अच्छे बालक बनिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, अच्छे स्कूलिंग लीजिए, अच्छे ग्रेजुएट होइए, अच्छी नौकरी का पालन करिए, एक अच्छे तरीके से पेशेवर बन जाइए, तहां उम्र बस पैसे के पीछे भागते रहिए भागते रहिए भागते रहिए, फिर अपने बच्चों को भी उसी अंधे कुएं के अंदर आप झोंक दीजिए। यही शायद हमारा समाज हमें आज तक सिखाता आया है और इसे कहते हैं एक प्रकार की भेड़ चाल। ये एक विशेष सर्कल है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि व्यक्ति अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके अपने सपनों पे, ना कि धन कमाने की ओर। और इसी के लिए आपको बताना चाहते हैं कि जो सपने हैं, एक व्यक्ति अपने लिए क्या सपना देखता है, आप लोग क्या सपना देखते हैं? जैसे किसी का कोई सपना हो सकता है छोटा, किसी का बड़ा हो सकता है, जैसा भी सपना हो अपने सपने पे भरोसा रखिए और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करिए, एकदम अपने सपने को कतई धोखा ना दीजिए और उसका साथ कभी ना छोड़िए। आज जैसे आपका सपना हो सकता है कि मेरे पास कल को एक बहुत बड़ा घर हो, मैं अपने परिवार के साथ उसमें बहुत खुशी से जीऊं, या कल को मैं देश विदेश जाऊं, सात समंदर पार जाऊं और वहां जाके मैं और लोगों से मिलूं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से, संस्कारों से, लोगों से मिलूं और उनके साथ भेंट करूं, अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों को देखूं, या ऐसे किसी बीच पे, बीच के किनारे मेरा घर हो। इस प्रकार के कई लोगों के बड़े बड़े सपने हो सकते हैं। और उसी तरीके से दूसरी श्रेणी हो सकती है कि एक व्यक्ति जो सपना देखता है, एक तो स्वयं के लिए देखता है, एक अपने समाज के लिए जिसके अंदर वो रह रहा है उसके लिए व्यक्ति अपना सपना देखता है और इसे वास्तविक बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये कितने सारे हाथ हैं और ये कितनी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं यहाँ पे, अलग अलग देशों की, जिन्होंने अपना हाथ उठाया है और किस बात के लिए अपना हाथ उठाया है? आप शांति के लिए, गरीबी का अंत करने के लिए, ठीक है, जो हम दुनिया के बेस पे, जो हम दुनिया के आधार पे एक व्यक्ति सपना देखता है कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो शांति से परिपूर्ण हो, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ उसमें दुख कलह ना हो, गरीबी ना हो और मन में एक शांति और सुरक्षा हो। एक व्यक्ति ये सोचता है, ये देखता है कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो दुनिया एकदम मेरे को स्वतंत्रता से जीने का अवसर दे, कि मैं अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। और साथ में हम केवल अपने लिए ही नहीं, लोग सपना देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु रहते हैं
उनमें आपस में समृद्धि हो, उनमें आपस में प्यार हो, खुशी हो। ठीक है, तो आप जैसे लोग अभी जितने भी यहाँ पे विद्यमान हैं, आप में से कितना लोग ये चाहते हैं कि हमारे आसपास शांति हो, गरीबी ना हो, एक स्वतंत्रता से हम जी सकें और समृद्धि हो। अगर आप लोग वास्तविक रूप में ये चाहते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएं या नंबर वन पे क्लिक करें, एक नंबर दबाएं। जो लोग ये चाहते हैं कृपया एक नंबर दबाएं। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय है आप सभी का जवाब। देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग सतर्कता से मेरी बात को सुन रहे हैं और जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं भी अपना हाथ उठाती हूँ और जैसा मैं भी अगर आपकी तरह होती तो शायद नंबर एक दबाती। आप लोगों का भी मेरे से मिलता जुलता ख्याल है, जान के बहुत खुशी हुई। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात क्या है, ये हम चाहते तो जरूर है लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। जो वास्तविकता है, एक है कि हमारी कल्पना में है, ये हमारा सपना है, ये हम चाहते हैं, ये हमारी हमारे लिए चाहत है और हमारे समाज के लिए चाहत है। और एक है वास्तविकता, घिनौनी वास्तविकता जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। वो क्या है? वो है इनइक्वालिटी, यानी भेद। काहे बात का भेद कि गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है, अमीर जो है वो धीमी गति से अमीर होता जा रहा है। तो जो मध्य वर्ग है ना, इनके बीच में वो तो शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसका एक प्रकार से अस्तित्व जो है वो खत्म सा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि समाज के अंदर बड़ी गंभीर समस्याएं हैं जो हमसे जुड़ गई हैं, जैसे कि आसपास प्रदूषण। आसपास का जो प्रदूषण है वो हमारी सेहत पे बहुत गहरा असर डालता है। उसकी वजह से एक आम व्यक्ति का जो धन है वो काफी ज्यादा उसके हाथ से निकल जाता है। इसी के साथ आप जानते हैं महंगाई जो है वो किस तरीके से एक ऊंचाई पे ऊंचाई चढ़ती चली जा रही है, लेकिन आम व्यक्ति के पास जो वेतन है, जो उसकी आमदनी है, वो वहीं की वहीं स्थिर है। कोई भी उसको ये नहीं कहता कि अगर समाज में समस्या है या महंगाई आई है या आप लोग बीमार पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे बढ़ा देता हूँ, आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता और ऐसा कोई भी नहीं कहता। इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, एक व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा बेचैनी उत्पन्न होगी कि मैं अपने जो परिवार है उसका भरण पोषण किस प्रकार से करूं। लिहाजा वो क्या करेगा, दुगनी स्पीड से, दुगनी गति से वो काम और करेगा, काम करेगा करेगा करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो रिटायरमेंट यानी जो उसकी सेवानिवृत्ति, जो निवृत्ति है उसकी, वो बहुत ही डिले हो जाएगी। जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर मैं जानती हूँ, कुछ देशों के अंदर शायद 55 साल में एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग 60 के बाद ही, क्योंकि मन में मानसिक रूप से इतना तनाव से ग्रस्त है वो कि उन्हें लगता है कि पैसे की समस्या को कैसे दूर करें, वो लगातार 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 बस काम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, आप जानते हैं दुकानों में कितने ज्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं। एक व्यक्ति जो काम पहले एक इंसान का काम होता था जिससे वो पैसा कमाता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह मशीन को खड़ा कर दिया गया है। अब सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, अपने स्वचालित रूप से चली जा रही हैं, जिसकी वजह से इंसानों की जरूरत नहीं, उन्हें नौकरियों से बाहर करा जा रहा है। नौकरी से बाहर करना यानी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाना। अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का क्या परिणाम होगा क्या आप जानते हैं? पहले तो मन में तनाव होगा, धीरे धीरे वो एक प्रकार का दंगे में प्रोटेस्ट का रूप लेगा, और जब सरकार जो है महंगाई और इन सारी समस्याओं का कोई उत्तर नहीं दे पाएगी, वाजिब उत्तर नहीं दे पाएगी, तो क्या होगा अंत में? अंत में होगा युद्ध, अंत में होगी लड़ाई। जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर छिड़े थे, वैसे ही आकांक्षा है, एक भयानक आकांक्षा है कि कल को समाज एक ऐसा भयंकर रूप भी ले सकता है। लेकिन इस सब का एक उपाय है, सिर्फ समस्या के ऊपर गंभीर रूप से बात करना ही तो समाधान नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमें पूरे तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जो समस्या सामने हमारे, विकट समस्या आ गई है, उस विकट समस्या का कोई वाजिब निवारण भी हो। और उसका वाजिब निवारण ये जो आपके सामने स्लाइड है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का नया आर्थिक विकास, केवल और केवल एकमात्र ये इसका समाधान है। कैसे?
अगर आप ये वाकई में इस पे एग्री करते हैं तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में। और ये किस प्रकार से हमारे जो ये गंभीर समस्याएं हैं उसका किस प्रकार से ये समाधान देगा। पहला देगा ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वैश्विक धन वितरण जो है, ये इनइक्वालिटी है कि समाज में जो ह्यूमन रेस है गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर की तरफ होता जा रहा है। 90% लोग जो हैं वो उनके पास जो 10% लोग हैं केवल उन्हीं के पास 90% पैसा है, और जो 90% लोग हैं उनके पास केवल 10% विश्व का, पूरे विश्व का पैसा है। इसको ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे मन के अंदर संरक्षण और सुरक्षा दोनों चीजों का भाव आएगा पैसे की सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन से। और उसके बाद क्या होगा, इस चीज के करने से ही केवल दूसरों के जीवन में मूल्य जुड़ जाएगा और समाज के अंदर क्या फैलेगी, खुशी और संपन्नता फैलेगी। और इसी के साथ एक व्यक्ति जो है जब उसका मानसिकता में सुख होगा, शांति होगी, तभी वो व्यक्ति शायद अपने सपनों के बारे में सोच भी पाएगा। पैसे की आमरा के जीवन में पैसे की ही विकट समस्या के बारे में मन पे बोझ नहीं रखेगा, वो अपने सपनों की ओर बढ़ पाएगा इसी के साथ। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हो पाएगा ये, इसका भी ये भी एक अवधारणा तो है, आपको राह तो दिखा दी, लेकिन ये राह तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा ना। उसका रास्ता केवल और केवल दोबारा से एक है, वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा, शिक्षा वित्त की शिक्षा यानी फाइनेंसेस की शिक्षा, निवेश किस प्रकार से सही जगह पे सटीक समय पे सही मात्रा में और सही कंपनी में आपको तीर फेंकना है और वहां निवेश करना है, उसके बारे में शिक्षा। और साथ में किस तरीके से जो आपका धन है उसको आपको सृजन करना है, यानी कि आपको अपना जो पैसा है उसको किस तरीके से आपने अपने पैसे को बनाना और बढ़ाना है, ये सारी चीजों की शिक्षा आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। आत्म शिक्षा ही केवल वो एकमात्र उपकरण है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, और शिक्षा ही वो जरिया है जिसके माध्यम से आप इन विकट समस्याओं का समाधान पाकर मानसिक सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब शिक्षा जो है वो दो प्रकार की है जी। एक शिक्षा वो जो हम लोगों ने स्कूलों में ग्रहण की है। किस प्रकार की शिक्षा सिखाते हैं हमें स्कूल में, हमें क्या ये कभी सिखाया गया है कि किस प्रकार से जो चीजें उन्हें बेचा कैसे जाए, किस तरीके से सोचना चाहिए पैसा कमाने के बारे में, किस तरीके से आपको मांडवाड़ी यानी नेगोशिएट आप कैसे कर सकते हैं, अगर कोई किसी प्रकार से आपको फेलियर आ जाता है जीवन में उसको आप कैसे संभाल सकते हैं, आप किस प्रकार से, बल्कि फेलियर के लिए तो लोग कंपैरिजन करते हैं समाज के अंदर और टेंशन देते हैं, अगर कोई फेल हो जाता है उसे हीन भावना से देखा जाता है, ये नहीं किया जाता कि उसको उठाया जाए अपनी अपनी जगह से। किस प्रकार से आपको समय को एक नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है आपको समय का, ये भी नहीं सिखाते। अच्छा, आपको ये भी नहीं बताया जाता कि पैसे को कहाँ पे सही तरीके से निवेश किया जाए, ये तो बोला जाता है निवेश करिए, पर क्या ये ज्ञान दिया जाता है, क्या ये कला सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती। आपको ये भी नहीं सिखाया जाता कि सफलता के मूल सिद्धांत कैसे हैं, आपको ये भी नहीं बताया जाता कि आपको अपने जुनून की तरफ किस प्रकार से लगे रहना है, टिके रहना है, आपको ये भी नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे संभालना है, किस तरीके से दूसरे के जीवन में मूल्य जोड़ना है, किस तरीके से आपको एक व्यवसाय को चालू करना है, ये तो कहा जाता है स्टार्टअप कर लीजिए, पर कैसे करना है उसकी समझ कोई नहीं देता है। किस तरीके से आपको जो ट्रैवलिंग है, एक व्यक्ति को ये नहीं बताया जाता कि उसका क्या महत्व है, वो किस तरीके से आपकी मेंटल इमोशनल और आपकी जो स्वास्थ्य है उसमें किस तरीके से आपका आपके लिए वो महत्वपूर्ण है या आपको क्या देता है, वो ये भी नहीं बताया जाता है। आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बोलचाल करनी है, किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति से बात करें कि उसके जीवन में मूल्य जुड़े। आपको साथ में मानसिक और जो एक तरीके की इमोशनल जागरूकता है वो भी नहीं दी जाती है।
आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें वर्क करती हैं, ये भी स्कूल आपको नहीं सिखाता है। और ये बहुत ही हमारे लिए और हमारी आने वाली अग्रमी जो पीढ़ी है, अगर इसी तरीके से ये शिक्षा प्रणाली चलती रही तो ये बहुत ही खेद और दुख की बात है कि ये सब हमें हमारे 12-13 साल की जो एजुकेशन एक बच्चा लेता है स्कूल की, 12 भी नहीं मेरा ख्याल है, 14-15 साल लगाता है एक व्यक्ति केवल स्कूल में, और वहां पे इसमें से कुछ भी पढ़ा के परवरिश का हिस्सा नहीं बनाया जाता। इसलिए दूसरे प्रकार की शिक्षा के बारे में बात करते हैं जो आपके काम की है। वो क्या है? दूसरे प्रकार की जो शिक्षा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो ये है कि आप स्वयं को उन विषयों में डुबोए जो कभी भी आपको एक शिक्षा के मंदिर में यानी स्कूल में नहीं आपको बताए गए हैं। वो विषयों के बारे में आप अध्ययन करें जो आपको सिखाएगी कि किस प्रकार से अपने वित्त का आपको प्रबंधन करना है और किस प्रकार से आपको धन को सृजन करना है। ठीक है जी, ये आप कैसे कर सकते हैं, आइए आगे की बात करें। ये बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास ऐसा कोई शिक्षा का मंदिर नहीं भी है तो भी मेरा ये मानना है कि बड़ी सारी ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर आप ये अध्ययन कर सकते हैं, या आजकल तो गूगल बाबा सब जानते हैं और उनके पास खूब सारी ज्ञान के वो स्त्रोत्र हैं। लेकिन इसमें अब भेद भी है, उनकी ज्ञान के स्त्रोत्र देने वाले ना कई लोग आ जाते हैं जो एकदम पक्का ज्ञान जो होता है ना, जो एकदम सच्चा ज्ञान होता है, वो गूगल पे कई बार नहीं मिल पाता है। इसलिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास किताबें हैं जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जी की है एक रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर भी उन्होंने काफी ज्ञान दिया है पैसे को किस तरीके से प्रबंधन करना है, कहाँ कहाँ लगाना है आपने, और किस तरीके से आप सही जगह पे निवेश कर सकते हैं, उसका मोटा मोटा उन्होंने आपको ज्ञान उस किताब में दिया है। उसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जहां से आप ये ज्ञान ले सकते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से लोगों के जीवन में आपको मूल्य जोड़ना है, बहुत सारे। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो सीईओ हैं कंपनी के, वो शिक्षा पे खास खास जोर देते हैं। खास जोर देने की वजह से ही, चाहे वो कितने ही अनुभवी क्यों नहीं है, उन्होंने अपनी जो इस साल अब हमारे अक्टूबर में जो इवेंट ही हुआ उसमें एंडी हैरिंगटन सर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने उनको खास बाहर से बुलाया अंतरराष्ट्रीय स्तर से, और हम लोगों के साथ उन्होंने स्पीच दी अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालकर। और ये खास अरेंजमेंट सीईओ सर ने हम सबके लिए किया ताकि लोग समझ सके कि क्या महत्व है शिक्षा का और किस तरीके से लोगों के जीवन में आप मूल्य जोड़ सकते हैं अगर आप भी स्वयं को शिक्षित कर ले तो। और जो लोग ऑनलाइन शिक्षा नहीं लेना चाहते, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ मास्टर प्रोफी एक बहुत ही ज्यादा खास प्रशिक्षण है जो लोगों को सिखाया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है ऐसी रणनीतियां और ऐसे कौशल, सिद्धांतिक नहीं यानी थ्योरेटिकल नहीं बल्कि व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्किल्स दिए जाते हैं, रणनीति और कौशल ऐसे सिखाए जाते हैं कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही नहीं जानता कि किस तरीके से अपने व्यवसाय क्या। मास्टर प्रोफी आपको किसी भी व्यवसाय के बारे में, सिर्फ हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं बल्कि कोई भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में सफल कैसे होना है उसके एकदम व्यवहारिक टिप्स देता है। वो कैसे टिप्स है? वो ऐसे टिप्स हैं जो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं, किसी के अनुभव के स्तोत्र से, किसी के अध्ययन के स्तोत्र से जो सारांश बना है, जो मक्खन बना है एक तरीके से दूध का सारा प्रोसेस करने के बाद, वो डायरेक्ट हमें मास्टर प्रोफी के अंदर क्रीम दी जाती है। अभी आपको मैं ज्यादा इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में केवल दो उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। मैं नाम भूल रही हूँ, एक भाई साहब है रायपुर के अंदर जो सब्जी बेचते थे, बाय चांस मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है, लेकिन उन्होंने सब्जी बेचने के साथ साथ, मतलब आप ये मत सोचिए कि व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं काम करता है, जिसके मन में
सीखने की चाह होती है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, वो कहीं से भी समय निकाल सकता है, और वो कहीं से भी अगर उसमें पूरा आत्मबल है और वो आगे बढ़ने के लिए सच्ची लगन रखता है मन में, तो वो उपाय ढूंढ ही लेता है। उस व्यक्ति ने मास्टर प्रॉफी का अध्ययन किया, अपनी सब्जी बेचते बेचते आज वो बहुत ही अच्छे मुकाम पर है हमारी कंपनी के साथ, और वो आज एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर बन चुके हैं। और दूसरे व्यक्ति जिनका मैं उदाहरण लेना चाहूंगी, वो हमारे हरविंदर सर हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के। वो भी एक बहुत ही मजबूत इरादों वाले व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने 2018 में परमात्मा की कृपा से, जिसको सफलता मिलनी होती है भगवान एक प्रकार का साधन सा बना देता है, तो उनके पास ये साधन मास्टर प्रॉफी का जब चल कर आया, उन्होंने बाहें फैलाकर इसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया, और उस राह पे जो ईश्वर ने उन्हें दिखाई वो चल दिए, और मास्टर प्रॉफी कोर्स करने के बाद आज आपके सामने है। वो एक बहुत ही बड़े मुकाम पर है, कहां एक समय में वो जीवन में शून्य हो गए थे, जीरो से हीरो बनाया उनको केवल शिक्षा ने। आज पता नहीं वो कितनी बार मुझे बताते हैं कि मैंने कितनी बार ही मास्टर प्रॉफी का अध्ययन कर लिया है, और मैं स्वयं भी एक उदाहरण हूँ आपके सामने। मैंने मिनिमम नाना करते हुए भी कम से कम 3 या 4 बार अभी तक मास्टर प्रॉफी पूरी की पूरी कर ली है। तो ये कोर्स जरूर करिए, ये एक ऑफलाइन कोर्स है, और अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए जब बाकी लोग एक उदाहरण है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हवा में बात की जा रही है, एकदम जीते जागते उदाहरण है, तो अगर वो कर सकते हैं और छोटे से मुकाम से इतने बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यकीनन आप भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आपको दूसरा एक राह दिखाती हूँ हमारी शिक्षा के बारे में। जीनियस ऑफ फाइनेंस, ये एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल, आप ये मानकर चलिए, उपकरण है। किस प्रकार से, ये एक गेम है, ठीक है। अब गेम जो है वो उसमें बहुत ही मजा आता है किसी को भी खेलने में, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए एक गेम नहीं है। ये गेम है जिसको खेलने के बाद आप में एक प्रकार की जागरूकता आती है। किस प्रकार की जागरूकता आती है, मान लीजिए इसको भी उदाहरण के साथ समझाऊंगी। जैसे अगर एक व्यक्ति है गाड़ी चला रहा है, और जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो क्या करता है, सबसे पहले वो पहले जाता है और कोच को पकड़ता है, जो गाड़ी सिखाने वाला ड्राइवर होता है उसके पास जाता है, और जो चालक होता है उसको अपने साथ बिठाता है, और वो जो चालक है वो बताता है कि यहाँ पे ब्रेक लगानी है, यहाँ पे क्लच दबाना है, ओहो सामने एक्सीडेंट हो जाएगा, चारों तरफ से देखना है, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, गाना है ना, उसी प्रकार से वो चालक भी आपको यही सिखाता है कि चारों तरफ से देखना है भाई, आगे से या पीछे से कहीं से भी गाड़ी आ जाएगी और नजर हटी दुर्घटना घटी। ये बातें जो है ये हमें एक कोच ही बता सकता है जो साथ में बैठा हो, ना कि किताब में या यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ लूं कि गाड़ी कैसे चलानी है तो सड़क पे अगले दिन मैं गाड़ी लेके निकल नहीं सकती हूँ। इसी प्रकार से जैसे मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हमें हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर 4.5 साल की जी पढ़ाई कराई जाती है। 4.5 साल के बाद जी टोटल मेरा जो कोर्स है वो 5.5 साल का है। 1 साल जो है वो मेरे को इंटर्नशिप उन लोगों ने कराई, यानी गांव-गांव भेजा उन्होंने और हर व्यक्ति के ऊपर दवा का देना सिखाया कि इसको ऐसे दवा दो, इसको ऐसे दवा दो। अगर मैं सीधा ही मान लो या मेरी जगह कोई और हो डॉक्टर, वो सर्जरी पे निकल जाए 4.5 पार करते ही, 4.5 साल का पढ़ाई पार करते ही, तो क्या वो सर्जरी कर पाएगा, क्या लगता है आपको, क्या वो सर्जरी अगर कर भी दी उसने तो क्या वो सर्जरी सफल हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से ये जो जीनियस ऑफ फाइनेंस है ये एक इस प्रकार का गेम है जिसको आप जब खेलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रोजमर्रा के जीवन में हमारी क्या क्या गहरी और कठिनाई से भरी समस्याएं आती हैं। जैसे इस गेम को खेलने से पहले मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मेरे को लगता था केवल बैंक ही इकलौता ऐसा उपकरण है जहां पे मैं अपना पैसा पकड़ के डाल सकती हूँ, और वो जो बैंक है वो FD कर देगा या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ब्याज लगेगा, पैसा दुना होकर आ जाएगा। नहीं, दुना भी कहाँ होता आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो भी है थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या पहले के मुकाबले। वो एक ही उपकरण मेरे को लगता था जो मेरे पैसे को संभाल भी सकता है, उसे बढ़ा भी सकता है। जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम ने मुझे सिखाया कि सिर्फ यही एक उपकरण नहीं है, और अगर आपको पैसा जो है उसको बढ़ाना है तो किस सूझ बूझ के साथ आपको चलना होगा, ये मेरे को इस गेम ने बताया।
अब बाकी बातें तो बातों की हैं, आप स्वयं खेलेंगे तो अनुभव कर पाएंगे। आगे चलते हैं, मेरा बस आपसे यही सुझाव है कि एक बारी खेलिएगा जरूर, आप अनुभव करिएगा और आपको स्वयं पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इसी के साथ आगे चलते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि हर जो बिक्री है वो एक प्रकार की हमारी कंपनी के अंदर एक बोनस उपहार के साथ दी जाती है। अब बिक्री, बिक्री किस प्रकार की बिक्री? कई लोग हैं आप में से ऐसे जो आते हैं और कहते हैं मुझसे कि मैडम हमें ना शेयर्स खरीदने हैं, हमें शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के। सर ऐसा है कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। हम लोग सर शेयर्स कतई 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 नहीं बेचते, हम लोग शेयर्स नहीं बेचते हैं, वी आर नॉट सेलिंग शेयर्स। हम लोग एजुकेशन के साथ डील करते हैं, यानी हम शिक्षा के साथ डील करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है और हमारा जो ये उत्पाद है शिक्षा का, उसको वो हमसे ग्रहण जब भी करता है, बदले में हम उसको पुरस्कृत करते हैं कुछ प्री आईपीओ इक्विटी शेयर्स यानी पाइप्स के साथ, ठीक है, वो उसका बोनस गिफ्ट है, ठीक है। तो वो एज अ बोनस मिल रहा है आपको, शिक्षा मिल रही है, वो आपका मेन उत्पाद है, ना कि वो दूसरी चीज जो है जिसपे लोगों का फोकस रहता है। हम वो तो केवल एज अ बोनस या एज पुरस्कार लोगों को देते हैं। और अभी जो बोनस आपको दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा क्रिप्टो यूनिट, क्रिप्टो यूनिट क्लब। क्रिप्टो यूनिट जो है ये एक प्रकार का विशेष क्लब है, ठीक है, जिसकी मलेशिया के अंदर फरवरी के अंदर इसकी जो है उद्घाटन किया गया था। और खास जनता के लिए जो इसका मूल्य समझते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये एक प्रकार का वीआईपी क्लब है। हमारे जो लोग हैं वो इसको काफी ज्यादा ना कंफ्यूज और कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। देखिए आपकी ज्यादा गलती भी नहीं है, शब्द में कहीं क्रिप्टो जुड़ा है, लेकिन क्रिप्टो यूनिट और क्रिप्टो करेंसी में आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारा आईसीओ पे बेस्ड होता है, लेकिन क्रिप्टो यूनिट जो है वो हमारा सिक्योरिटी टोकन पे बेस्ड है। सिक्योरिटी टोकन और आईसीओ में क्या ज्यादा भेद है, ये तो आप, मैं आपको यही कहूंगी कि स्पून फीडिंग करने की जगह मैं आपको ये कहूंगी आप जाके इसके बारे में पढ़े कि दोनों में भेद क्या है। लेकिन मैं आपको एक भेद बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, ताकि ज्यादा समय हम इस मुद्दे पे ना खर्चें। एक जानकारी आपके लिए ये है कि जो एसटीओ है वो विनियमित होता है, ठीक है, और जो आईसीओ है वो विनियमित नहीं होता है। हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है वो रेगुलेटेड है और उसमें पारदर्शिता होगी, कल को ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है हमारी कंपनी में। ये सबसे ज्यादा खास बात है कि जो एक आधार बन रहा है विश्वास का आपके और हमारे बीच, वो एक विश्वास के बलबूते पे बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, ये हवा में बोलने की बात नहीं है मेरे लिए, मैं इसको सिद्ध कर सकती हूँ। जिन लोगों ने गोवा में इवेंट अटेंड किया है, अगर वो आए हैं तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। सीईओ सर ने अपने सारे पेपर्स और काफी ज्यादा जानकारी जो है वो ओपन करके दी, उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे निवेश किया है और लाइसेंसेस के बारे में बताया गया है जनता को। तो एक प्रकार का पारदर्शिता यानी दी गई है लोगों के बीच में, ट्रांसपेरेंट एक रिलेशन बनाया गया है ताकि लोगों को भरोसा हो और वो हमारे साथ भरोसे के आधार पर जुड़े, ना कि पैसे की लेन देन के आधार पर हम ये संबंध बना रहे हैं। हमारी कंपनी में एक दूसरे के साथ भरोसे के आधार पर संबंध बनाना, इसी पे सबसे ज्यादा केंद्रित किया जाता है। और इसी के साथ जो क्रिप्टो यूनिट है, आपको आगे बताना चाहती हूँ कि आप इसके मालिक हो जाने से, यानी कि अगर आप क्रिप्टो यूनिट को ओन कर लेते हैं, तो आप इसके मालिक होने से हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो के भी साथ में सह मालिक आप बन जाएंगे, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक विविध जो हमारा पोर्टफोलियो है, आप उसके भी मालिक होंगे। साथ में यहाँ जो संपत्ति है ये विभिन्न जो मार्केट के क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां लगाई गई है, यानी कि हमारा एक, जैसे ही आप ग्लोबल पोर्टफोलियो के, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के आप सह मालिक हो जाते हैं क्रिप्टो यूनिट के साथ जुड़ते ही। आपको ये जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जो ग्लोबल वैश्विक जो हमारा निवेश पोर्टफोलियो है उसमें वैसे तो कई सारे सेक्टर्स हैं,
लेकिन मुख्यतः फिलहाल 22 सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा टॉप पे जो महत्व दिया गया है और जो गारंटेड सेक्टर है वो हमारा एजुकेशन का क्षेत्र है। और परमात्मा की कृपा से हम सबसे ज्यादा जो डील करते हैं वो शिक्षा में ही डील करते हैं और उसी पे सबसे ज्यादा जोर डालते हैं। हालांकि शिक्षा के अलावा भी हमारे पास और भी क्षेत्र हैं जिसके आप सह मालिक हो जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आप ओनरशिप हो जाती है आपकी, सबसे ज्यादा जो शीर्ष कंपनियां हैं उनके उनके साथ भी आपका सह मालिक आप हो जाते हैं उनके शेयर्स के साथ। और साथ में इसके अलावा वेंचर मार्केट है जहाँ पे करीब मिलियंस ऑफ मनी जो है वो इन्वेस्ट की गई है, जैसे बसाल्ट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, हाउसिंग और टेक्सटाइल में। इसके साथ साथ करीब 10 मिलियन के करीब जो है राशि का भी निवेश किया गया है जिसके आप दोबारा से सह मालिक होते हैं। किसमें? 4 गोल्ड माइन जो हमारी कंपनीज हैं, प्रेशियस मेटल सेक्टर्स को जो बिलोंग करती हैं, उसके उसके साथ साथ प्रेशियस स्टोन सेक्टर है जैसे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, और रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा जिसमें आप लैंड के लिए भी ओनरशिप आपकी आ जाती है उसमें, जैसे कजाकिस्तान और रशिया में कुछ कुछ एरियाज में इसका जो लैंड है उसकी ओनरशिप भी प्राप्त करी गई है। और साथ में इसके बारे में इस मुद्दे पे भी गोवा में चर्चा हुई थी, थाईलैंड के अंदर एक रिजॉर्ट है जिसको बुक किया गया है पुकेट के अंदर, और उसके अंदर अगर आप कभी भी जाते हैं वहां पे आराम करते हैं या बिल पे करते हैं तो जो मुनाफा आएगा उसके भी हम सभी सह मालिक हो जाएंगे, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जिसमें ओनरशिप मिलती है वेराइटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इस समय, उसके भी आप सह मालिक हो जाते हैं। इसी के साथ और क्या रोमांचक बात है आपके लिए जानने के लिए कि हमारी जो भी मूवी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, स्पेशली इंडिया में, चाइना में और यूएसए, तीन ये देश हैं, इनमें तीन देशों में मूवी प्रोडक्शन की कुछ कंपनीज हैं जहां पे हमारी जो कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया है, और लिहाजा आप भी वहां से सह मालिक हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स हैं जैसे क्रिप्टो और कैश एटीएम, क्रिप्टोमैट जिसके बारे में आपने सुना होगा, एस्टोनिया के अंदर सबसे पहला क्रिप्टोमैट जो है उस लगाया गया है। इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है बिजनेस में और को ओनरशिप है सुशी मास्टर वाले एरिया में। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर है हमारा जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ आपको, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें। ये आप देख पा रहे हैं जो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट यहाँ लिखा आ रहा है, पहले ये चित्र जो है आप जानते हैं एसडब्ल्यू स्काईवे को बिलोंग करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम न्यू के मुद्दे पे अभी बात कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज जिन लोगों ने सुनी है वो जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी रीब्रांडिंग की गई है, और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो स्काईवे है उसकी बजाय अब जो नाम इस्तेमाल होने वाला है वो अभिनव परिवहन प्रौद्योगिकी यानी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, ये नाम इस्तेमाल होगा। और इसी के साथ स्विग जो है वो नाम अब कहीं पे भी आप इस्तेमाल ना करें, उसको यूज करने के लिए कंपनी ने मना किया है, और उसकी जगह आप जो नाम इस्तेमाल करने वाले हैं स्विग ग्रुप ऑफ कंपनीज की जगह आप न्यू यानी कि न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, न्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज या न्यू समूह कंपनियों का ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप। और उसके साथ साथ जो स्विग पर्सनल अकाउंट है आपका बैक ऑफिस के अंदर, उसमें आप देखेंगे उसकी भी रीब्रांडिंग हुई है, और वो बना है ट्रांसनेट समूह, TNG पर्सनल अकाउंट। अब कई लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई स्विग से क्या दिक्कत थी, स्विग का नाम क्यों हटा रहे हैं, न्यू में क्यों तब्दील कर रहे हैं, और ये क्यों आपको करने की जरूरत आई है। तो आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट लेते हुए बस आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एप्पल है, एप्पल को पहले ना बोला जाता था मैक वर्ल्ड, एप्पल के नाम से कहा जाता था एप्पल को, उसकी भी रीब्रांडिंग हुई। रीब्रांडिंग इसलिए की गई क्योंकि उनकी जो एप्पल की जो कंपनी थी उनकी कंपनी का मूल नाम अब उनके उत्पादों को दर्शाता नहीं था, तो उसकी वजह से एप्पल को मैक वर्ल्ड एप्पल से कन्वर्ट करके एप्पल के नाम से जो है वर्ल्ड इस्तेमाल किया गया। रीब्रांडिंग क्यों हो रही है? रीब्रांडिंग इसलिए की गई है सर क्योंकि हमारे अभी जो है जब हमारी कंपनी
जो अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है और प्लस स्काईवे है, वो जब एकजुट हुए तो स्विग नाम आया। लेकिन अब हमारी कंपनी का धीमी गति के साथ, समय के बदलते दौर के साथ, और हमारी कंपनी का और भी ज्यादा मूल्य जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से देश विदेश की अलग अलग कंपनियां हमारी कंपनी के साथ एकजुट होना चाहती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, सुशी मास्टर कंपनी भी है, हमारी गोल्ड माइन में भी है, अलग अलग कंपनी अगर हमारे साथ जुड़ेंगी तो क्या हम उनके हिसाब से अब रीब्रांडिंग नाम तो नहीं कर सकते ना, या हम क्रिप्टो यूनिट, अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, सुशी मास्टर, ये नाम नहीं रख सकते हम। इसलिए हमने ग्लोबली इसको एक ही छतरी के नीचे करने के लिए कि अब दुनिया की कोई भी कंपनी अगर हमारे साथ आके जुड़ती है तो हमें घड़ी घड़ी नाम न बदलना पड़े और एक ही छतरी के नीचे सभी सारी चीजें आपको प्राप्त हो सके, सारी कंपनियां एक ही छतरी के नीचे आ जाएं। जैसे न्यू के नीचे अब सारी जितनी भी और कंपनियां हमारे साथ भविष्य में जुड़ेंगी तो नाम चेंज नहीं होगा, न्यू न्यू के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए ये पूरी जो है हम लोगों ने रीब्रांडिंग की है, इसलिए आपसे ये एक बहुत ही मुख्य समाचार था। वैसे तो समाचार के क्षेत्र में मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम न्यू का टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये एकदम नाम आया सामने स्क्रीन पे तो मेरे को ठनका कि आपको जरूर बताऊं इसके बारे में, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये लेटेस्ट न्यूज थी और आगे बात करते हैं। मेरा ये आपसे आग्रह है कि अगर जो अभी आपको ऊपर दिखाया है कि किस प्रकार से हम विविधीकरण कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारा जो पोर्टफोलियो है, अगर आप क्रू के अंदर जुड़ते हैं हमारे साथ तो आप उसके साथ साथ सह मालिक हो जाते हैं इसी विविध पोर्टफोलियो के, और उसके साथ साथ आप शेयर होल्डर हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के संपत्तियों के साथ, और उसके साथ साथ आपसे आपके लिए ये इसलिए किया गया है ताकि जो आपकी संपत्ति है वो आपके लिए काम करे, ना कि आपको आगे बढ़ के संपत्ति के लिए काम करना पड़े। आगे बात करते हैं आपके साथ, अब थोड़ा क्रिप्टो यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्टो यूनिट जो है उसके तीन भाग किए गए हैं सर, और ये 80 बिलियन जो क्रिप्टो यूनिट है उनको जारी किया गया है। और क्रिप्टो यूनिट जो है वो जो तीन भाग है उसमें से जो पहला भाग है उसकी 8 चरण है, जो 8 चरण है वो 30 नवंबर तक आपका 8.1 समाप्त हो जाएगा और 31 दिसंबर तक 8.2 जो चरण है वो समाप्त हो जाएगा। जिसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो द्वार आपके लिए खुला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, ये बंद हो जाएगा और जो लोग इसके बाद हमसे जुड़ेंगे वो उसका भागीदार नहीं होंगे। और इस स्टेज में करीब 30 बिलियन जो क्रिप्टो यूनिट है वो जारी किए गए। भाग दो में जो एसटीओ आएगा उस दौरान 20 बिलियन क्रिप्टो यूनिट जो हैं वो जारी किए जाएंगे, और जो कि मार्च 2020 तक लागू किया जाएगा ये वाला भाग जो है, और उसके बाद भाग तीसरा चालू होगा जिसमें दोबारा से 20 बिलियन क्रिप्टो यूनिट जारी किए जाएंगे, और जो अंतिम 10 बिलियन बचेंगे वो तरलता के लिए कंपनी जो है, न्यू कंपनी जो है वो उसके लिए तरलता के लिए अपने पास रखेगी। और इसी के साथ परिचय कराती हूँ आपका हमारी नई न्यू की टीम के साथ। ये देखिए, ये सारी महान हस्तियां हमारी न्यू की टीम के मेंबर्स हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप मुझसे आके कोई बात करें हो सकता है कि किसी कारणवश मैं उत्तर ना दे पाऊं, ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं जो आपको परिचित करा रहे हैं इस कंपनी के साथ, हो सकता है वो भी एक पल को आपको किसी कारणवश आपके किसी सवाल का उत्तर ना दे। लेकिन ऐसे में हताश मत होइएगा, ये जो स्क्रीन पे हमारी टीम है और उसी टीम में ये जो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो ब्लू शर्ट में हमारे सीईओ हैं, ये सारी टीम बाकी कंपनियों और बाकी वेबसाइट्स के बजाय ये सारे लोग बहुत ही सहायता करने वाले लोग हैं। आप इनको ईमेल लिख सकते हैं, ये लोग स्काइप कॉल पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अगर किसी का कोई डाउट हो, और हर तरीके से सहयोग देने के लिए हमारे नए भागीदारों को ये पूरी टीम तत्परता से तैयार रहती है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आगे बताना चाहती हूँ कि हमारी जो स्टेज नंबर पहली थी वो 30 मार्च को जो पहली स्टेज थी, जैसे ही खुली चालू हुई वैसे ही 36 घंटे के अंदर
ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, बहुत ही अहम बात है। 36 घंटे, मात्र 36 घंटे के भीतर ये पूरी स्टेज जो है वो चालू होते ही खत्म हो गई। आप जानना चाहते हैं कितना पैसा हम लोगों ने उठाया? 9 मिलियन पैसा हम लोगों ने रेज किया एज फंड्स इस पहली स्टेज से। ठीक है, तो आपको बताना चाहती हूँ कि इसका आस पास दुनिया के अंदर कितना मोल है, कितना मोल है इसका, हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है, और वो किस तरीके से हॉट मार्केट में हॉट तरह से एकदम आते ही गायब हो गया। और उसके बाद आपको बताना चाहती हूँ कि ये 8.1 जो है वो 1 नवंबर से जो जारी है वो अभी तक जारी है, नवंबर के अंत तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं इस स्टेज का। और जल्दी करिए, क्योंकि अब केवल इसके बाद एक ही अंतिम 8.2 स्टेज बचेगी, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़कर उनको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का आप सहमालिक बना पाएंगे। वरना ये मौका हाथ से जाने ना पाए, छूट ना जाए, उसके लिए पूरी कोशिश करिए। साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है वो एक प्रकार का आपका निष्क्रिय यानी पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय का आपका एक साधन बनता है। किस प्रकार से? क्योंकि इसके साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत कुछ राशि प्राप्त होती है, जो कि 10% जो कंपनी का मुनाफा लोगों में बांटा जाता है हर महीना, 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में महीने की शुरुआत में, ये आपके लिए घर बैठे बैठे निष्क्रिय आय का काम करती है। पैसिव इनकम मतलब वो आय जिसके लिए आपको व्यक्तित्व रूप से जाना नहीं है और जाके मेहनत मशक्कत नहीं करनी है, घर बैठे बैठे आप पैसे का लाभ उठाएं। और इसी के साथ मैं आपसे और एक बात पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। क्या आप लोग, ये तो आपकी एक आय का स्त्रोत्र हो गया, या एक आय का स्त्रोत्र जो भी आप लोग काम करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या आप लोग और आय के स्त्रोत्र के बारे में जानना चाहते हैं? क्या मैं आपको एक से अधिक आय के स्त्रोत्र के बारे में परिचित कराऊं? अगर हाँ तो कृपया एक पे क्लिक करें। जो लोग चाहते हैं कि आपको एक से ज्यादा आय के स्त्रोत्र पता चलें, वो एक पे क्लिक करें। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बिल्कुल जागरूक हैं। मैं देख पा रही हूँ हमारी जो जनता है एकदम जोश में पूरी बात सुन रही है, बहुत ही खुशी हो रही है आपका रिस्पॉन्स पाके मुझे। और आपके लिए मैं सराहने ही करना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, और आपकी सहायता करना चाहती हूँ। आइए सहायता करते हुए आपको आगे लेके चलती हूँ, किस प्रकार से आप और ज्यादा अपने लिए धन अर्जित कर पाएंगे। देखिए जी, आप कर पाएंगे धन अर्जित अपने लिए जब आप एक प्रकार से, हमारा ये एक रेफरल प्रणाली है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर जुड़ जाते हैं तो रेफरल प्रणाली के माध्यम से आपको कमीशन इनकम जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, वो आपका एक प्रकार से, एक तो आपका जो नॉर्मल काम है उसके अलावा भी आपके लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बनता है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए कुछ और है। क्या है मेरे पास, ये देखिए, आज में तो ये हमारी जो रेफरल प्रणाली है इसका अगर आप फायदा उठा लेते हैं और हमारा जो बोनस प्लान है उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो आपको आय का स्त्रोत्र मिलेगा, अतिरिक्त आय का स्त्रोत्र। उसके अलावा क्रू का लॉयल्टी प्रोग्राम जो मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ, वो कंपनी हर महीना आपको एज बोनस प्रोवाइड कर रही है 5 से 10 तारीख के भीतर। तो आज में क्रिप्टो यूनिट के साथ जुड़ के फायदा ही फायदा है जी। लेकिन इसके साथ साथ कल के लिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए, नीचे से चालू करेंगे। नीचे से इसलिए चालू करेंगे क्योंकि मैं आपको इसके साथ साथ ना न्यू का स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ। न्यू का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट है सीईओ सर एंड्री होप्रोटो, उसके बाद आता है प्रेसिडेंट काउंसिल, उसके बाद लीडर काउंसिल, उसके बाद स्पीकर या कोच, और उसके बाद आता है बिग इन्वेस्टर। आइए इसके बारे में बात करें। जो प्रेसिडेंट काउंसिल है और लीडर काउंसिल है आपका, वो रिसेंटली बनाया है और कंपनी ने, आपको बताना चाहती हूँ, करीब 7,50,000, दोबारा बोलती हूँ, 7,50,000 लोग सदस्य हैं हम जो हमारी कंपनी के साथ शामिल हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, हम सबके लिए अद्वितीय बात है एकदम। और इन 7,50,000 में से प्रेसिडेंट काउंसिल के अंदर आज की तिथि में केवल 10 महानुभाव हैं, 10 सज्जन व्यक्ति इस काउंसिल में, काउंसिल के सदस्य हैं। और
उसमें भी बहुत ही सौभाग्य की दूसरी बात बताती हूँ आपको, हमारे भारत में से दो, हमारे भारत में से दो लोग इस प्रेसिडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। कौन कौन है वो? श्रीमान हरविंदर सिंह जी जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक तो वो, और मैडम लिटिया जी हैं, उन्हीं नाम शांति रानी, सही नाम अगर उनका पूरा है तो, मैडम लिडिया, आम जनता उनको लिडिया मैम के नाम से जानती है। ये दो महानुभाव हमारे प्रेसिडेंट काउंसिल में जुड़े हुए हैं और लीडर काउंसिल के अंदर लगभग 50 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इन लोग, ये अगर आप इस काउंसिल का मेंबर हो जाते हैं किसी तरीके से मेहनत करके, तो आपको एक अतिरिक्त आय का स्रोत्र मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप स्पीकर या कोच होते हैं, देखिए सर, जो कल वाले है ना ये क्षेत्र, जो आज वाला है उसके अंदर तो आपको कोई खास योग्यता पाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कल आप अतिरिक्त आय का स्रोत्र अपने लिए बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता चाहिए। आपको मास्टर प्रोफी मिनिमम करना पड़ेगा। आप स्वयं में वो योग्यता पाएंगे तब आप इन सारे अतिरिक्त आय का लाभ उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मोटी पार्टी या बिग इन्वेस्टर को कंपनी के साथ जोड़ते हैं तो उसमें भी आपको जो कट ऑफ है वो प्राप्त होता है, वो भी आपके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत्र बनेगा। और इसके साथ भविष्य में जो अतिरिक्त आय के स्रोत्र बनेंगे वो किस प्रकार से, क्रू एसटीओ है, अगला चरण आने वाला है हमारा बहुत जल्दी, और उसमें आप एक्सचेंज कर सकेंगे, और क्रू को जब आप एक्सचेंज कर पाएंगे वहां से आप लाभ पा सकते हैं। या कई ऐसे समझदार व्यक्ति होंगे जो क्रू को बेचेंगे नहीं, और मैं उनमें से एक होंगी, जो बेचने में ज्यादा यकीन नहीं करेंगे, उनको होल्ड करके रखिए अगर आप क्रू टोकन को, तो धीमी गति से समय के साथ उसका मोल बढ़ेगा और आने वाले समय में वो आपको लाभांश देगा, यानी कि वो क्रू का डिविडेंड बनेगा। जब वो क्रू का डिविडेंड बनेगा आपको क्या मिलेगा, अतिरिक्त आय का स्रोत्र। इसी के साथ आप जानते हैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो हमारा स्काईवे है, नाम ये स्काईवे की जगह ये तब्दील हुआ है, दोबारा बता देती हूँ। इसमें आईपीओ, जब हम आईपीओ पहुंचेंगे तब आईपीओ का आप लाभ उठाएंगे, और जब आप आईपीओ में उन शेयर्स को नहीं बेचेंगे, अपने तक होल्ड करके रखेंगे और कंपनी का मोल बढ़ेगा, आने वाले समय में वही आपको डिविडेंड देगा यानी लाभांश देगा। लाभांश के सहायता से आपके पास क्या होगा, अतिरिक्त आय के स्त्रोत्र ही स्त्रोत्र, स्त्रोत्र ही स्त्रोत्र, आपके जीवन में पैसे का शुभारंभ, और उसी के साथ खुशी और संपन्नता इन मुस्कुराते हुए चेहरों की तरह। और इसी के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभी को लाभान्वित करने के लिए ये एक अद्वितीय अपारदर्शिता है, एक अद्वितीय मौका है, इसका समय रहते पूरा लाभ उठाएं। बहुत ही खास है ये मौका और इसको हाथ से कतई जाने ना दें। और इसी के साथ ये महानुभाव सज्जन व्यक्ति, यही वो व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत हमें, हमारे पूरे विश्व को एक नई अवधारणा मिली है, विश्व का नया आर्थिक विकास। यही वो महानुभाव है, इनके बारे में संक्षिप्त में मैं परिचय देती हूँ। ये लेखक है, एक निजी निवेशक अकादमी के बहुविषयक पेशेवर निवेशक व्यापारी है, कंपनियों के जो स्विक, जो स्विक की जगह यहाँ न्यू, जो न्यू कंपनियां हैं उनके ये सीईओ है, क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के ये महान लेखक हैं, और सपनों को साकार करने के लिए माहिर एक मास्टर हैं। और ये एंड्री होग्रोथ जो हैं, ये करोड़पतियों के राज कार्यक्रम की मेजबानी यानी होस्ट कर चुके हैं उसको, मेलनरिक पत्रिका है उसमें, और विद टाइम्स मैगजीन के लिए भी इन्होंने होस्ट किया है, और साथ में इंटरनेशनल पब्लिक एसोसिएशन के निवेश परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्ल्ड जनरल ऑफ पीस के लिए, और वहीं से इनको नवाजा गया एक बहुत ही खास खिताब के साथ जिसका नाम है शांति के दूत यानी डव ऑफ पीस अवार्ड से इन महानुभाव को, इन सज्जन व्यक्ति को नवाजा गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही खास बात है कि जिनको हम जानते हैं, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, वो इस लेवल पर ही नहीं है, बल्कि एक अंतिम इनकी खूबी में वर्णन करते हुए अंतिम बात बोलना चाहती हूँ कि ये वो महानुभाव है जो रशिया में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक जाने जाते हैं। 100 यानी कि जितनी भी उनकी आबादी है उनमें से जो टॉप 100 हैं उनमें से ये भाई साहब एक हैं, एक व्यक्ति हैं। और क्या लाई हूँ आपके लिए, कुछ तथ्य किस प्रकार के कि अभी तक हमारी जो कंपनी है वो अक्टूबर 2014 से चालू होकर 5 साल पूरे कर चुकी है,
जिसमें ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये वास्तविक चित्र है, बाय द वे एक काल्पनिक नहीं है, क्योंकि 20,000 लोगों ने अपनी अटेंडेंस दी थी इवेंटी इंडिया अक्टूबर 2019 के अंदर, और उसी के अंदर ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं और हरविंदर सर हम लोगों ने इस इवेंट को मौका मिला हमें आप लोगों का सम्मान करने के लिए, होस्ट बनने के लिए इस इवेंट का। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी बहुत भव्य है, अलौकिक है एकदम, और इसमें 7,50,000 भागीदार विश्व के अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और करीब 100 देश हमसे जुड़ चुके हैं। हमारा जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसकी कीमत अभी तक 90 मिलियन पहुंच चुकी है। और इसके साथ अब मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि हम क्या किस चीज को का प्रचार करना चाहेंगे, किस चीज को हम बढ़ाएंगे। लेकिन किस चीज को बढ़ाएंगे उससे पहले फटाफट से आपको एक बार जल्दी से बिना देर करे वापस से लेके चल रही हूं आज इस स्लाइड पे। ये जो स्लाइड है जिसमें मैंने आपसे बात की थी उस समय थोड़ी देर पहले कि हम किस कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैंने आपको अवगत कराया था। ये जो समस्याएं हैं इस सबको पार किया हमने न्यू से, और इस जर्नी में पार करते हुए क्रिप्टो यूनिट से का समाधान लेके संक्षिप्त में अब आपको सारांश देती हूँ कि उन समस्याओं को पार करके आज हम प्रचार करते हैं किसका, शांति का। शांति का प्रचार करते हैं हम, जिससे समाज के अंदर सुख फैले और स्वास्थ्य फैले, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि कल्याण फैले पूरे समाज का, समाज में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का, जानवर और सभी प्रणालियों का, सबके लिए सुख शांति और समृद्धि फैले, और साथ में लोगों के अंदर उनके परिवार में मानसिक शांति हो, और वो धन का निर्माण करना जाने, उसका सृजन करना जाने, और उसके साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी देर तक समय निकाला, मैंने कोशिश की है कि अपनी बात को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं एक घंटे के भीतर, और आप सबके सुनने के लिए, आप सबका साथ देने के लिए, मेरी बात को समझने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपके समय का बहुत सराहनीय करती हूँ, आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं कि आपने मेरा साथ दिया और अभी तक आप मेरे साथ रहे। साथ में आपको जाने से पहले, एक जाने से भी क्या पहले, इसके बाद हम प्रश्न उत्तर का एक सत्र आपके साथ रखेंगे, और एक मैं बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ निमंत्रण करने वाली हूँ, जो जिनके साथ मिलकर आपके सभी सवालों का, आशा करती हूँ अभी तक आपने नोट कर लिए होंगे अपने सवाल, उन सभी सवालों का मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी उन मेहमान के साथ मिलकर। लेकिन ये इस बात को खत्म करने से पहले, ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली किस्म का मैं ये एक कोट हमारे सीईओ सर द्वारा आपके लिए ढूंढ कर कहीं से लेकर आई हूं। तो ये क्या लिखा है जो ये सज्जन व्यक्ति हमसे कहना चाहते हैं, ये हमें कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है। हम सभी सामाजिक परतों के एकीकरण की पेश, यानी कि प्रस्ताव, उनका प्रस्ताव रखते हैं आपके सामने, सभी सामाजिक परतों के एकीकरण का प्रस्ताव रखते हैं आर्थिक विकास के नए मॉडल के लिए, नरम अंतरण के लिए, सभी मानवता के लिए समृद्धि और धन का मॉडल, यानी विश्व का नया आर्थिक विकास का हम आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं। समाज समृद्धि के रास्ते पे चल सकता है अगर ज्यादातर औसत लोगों को प्रोडक्शन उद्यमों और बड़े व्यवसाय कंपनियों और सफलता प्रौद्योगिकी के सह मालिक बनने का अगर अवसर मिले, यानी कि जो सबसे ज्यादा लाभान्वित कंपनियां हैं अगर उसका हम सभी सह मालिक बन पाए, तो ये हो सकता है कि समाज में समृद्धि, समाज जो है हमारा वो समृद्धि के रास्ते पे चल सके, और ये समाज के विकास को पूरी तरह से अगले रास्ते पर जाने का अवसर देता है।
केवल इस तरह से अधिकांश लोग वित्तीय दक्षता और समृद्धि में रह पाएंगे और इसलिए युद्ध का कोई भी कारण अगर होगा भी तो वो नष्ट हो जाएगा। यह कितना ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली जरा सा सारांश और संक्षिप्त में बोला हुआ वाक्य है जो मैंने समस्या रखी थी कि कल को समाज में युद्ध होने की आकांक्षा है, उसको मैंने अपनी बात खत्म करते करते खत्म कर दिया। युद्ध नाम के शब्द को इसी कोट के साथ आपको बताया उसका रास्ता और उसको खत्म भी करा दिया कि मानसिक शांति और सुकून आप कैसे पा सकते हैं। अंत तक आते आते शुक्र है इनका कि इन्होंने ये बात कही और मैं आप तक इस बात को लेकर आ पाई। और ये शब्द आपको केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके सच्चा दिल हो और जो सच्चे दिल से काम करने की नियत रखता हो, और ये वही महानुभाव है। धन्यवाद आप सबका हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का, हमारी बात को सुनने का, उसको मूल्य देने का और अपना कीमती समय हमें देने का। इसी के साथ मैं निमंत्रण करना चाहती हूँ बहुत ही खास व्यक्ति का जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही तत्परता से और पूरी मेहनत लगन के साथ जुड़े हुए हैं इस समय। वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं और उनका नाम है हरविंदर सिंह। आपके लिए उपलब्ध है, आपकी सेवा में वो और मैं। आपके जो भी प्रश्न उत्तर हैं कृपया चैट में लिखिए। जब तक आप उसे लिख रहे हैं तब तक मैं कोशिश करती हूँ इनको पैनल में लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। जरा इसमें एक मिनट लग सकता है, असुविधा के लिए खेद है, मेरी पहली बार है किसी को पैनलिस्ट बनाने में, इसलिए आपके सहयोग का आशा करती हूँ कि आप मेरे को इसमें सहयोग देंगे। हैरी जी, अगर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कृपया हाथ उठाएं, मैं आपको ढूंढ पाऊं किसी प्रकार से। अगर आप यहाँ हैं तो अपना हाथ उठाएं, मैं आपको ढूंढ पाऊं। पैनलिस्ट पार्टिसिपेंट्स, हैरी जी अपना हाथ उठाइए, आपको देखना चाह रही हूँ, आप मिल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, कैसे पैनल में ऐड करूँ रिकॉर्डिंग। आई एम हेयर, प्लीज मेक मी एडमिन। वो तो ठीक है पर कैसे बनाया जाए आपको एडमिन सिखाइए, जानकारी दीजिए, मेरे को पैनलिस्ट मिल नहीं रहे हैं, एडमिन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन आंसर्स न्यू शेयर एटोनेट वर्कशॉप लाइव शेयर कंप्यूटर साउंड इनवाइट बाय कॉन्टैक्ट नहीं। असुविधा के लिए देवियों और सज्जनों बहुत बहुत खेद है मुझे, दरअसल पहली बार है मेरे को होस्ट बनाना की कोशिश कर रही हूँ, दो चार पल और लग सकते हैं। पैनलिस्ट का
हरविंदर सिंह, प्रमोट टू द पैनलिस्ट। हरी जी, अगर आप यहाँ हैं तो अनम्यूट हो जाइए। स्वयं करेंगे या मुझे करना है? होस्ट बनाती हूँ आपको, ठहरिए। आप अब होस्ट बन गए। हेलो साक्षी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच साक्षी। हाँ जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर, धन्यवाद जी, बहुत गुड जॉब साक्षी। We all Indians are proud of them. We all Indians, really. You are doing very well job. Thank you. Well presentation for all our Indian leaders because India के अंदर आपको मालूम था क्योंकि lack of information कारण, lack of लोगों के कारण हमें कई कमियों का सामना करा और कई challenges आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। उस चीजों को पूरा करने के लिए जो हमने शुरुआत की है इंडिया में वेबिनार हिंदी में, हिंदी के साथ साथ वो डिफरेंट लैंग्वेज में शुरू करेंगे, उसके लिए शुरुआत के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने अच्छा योगदान दिया हिंदुस्तान में, हमेशा देते आए हैं 2 साल से मेरे साथ। मैं फ्यूचर में आपको कहते हैं ना, चाहता हूँ कंपनी को एज ए 100% रिजल्ट दीजिए ताकि लोगों को एक ऐसे लीडर मिले जो दुनिया में एक अलग टाइप का हीरा हो। तो आप उनके अंदर चुने जाते हैं जो एक कहते हैं डायमंड्स के अंदर होते हैं, तो हम मेरे इसमें डायमंड का काम करें इंडिया के लिए। आपको दिल से धन्यवाद। सभी लोग बहुत खुश हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। कृपया अपने सभी सवालों को हमसे पूछिए यहाँ पे, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही सवालों के साथ आगे भेजने का। धन्यवाद हरी जी आपका okay. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके आप एसटीओ, पहला क्वेश्चन नजर आ रहा मुझे, एसटीओ मार्च में प्रोसेस होगा या जनवरी 2020 में? नहीं सर, सलमान जी, उद्दीन जी, जो हमारा प्रोसेस शुरू होगा 30 मार्च के बाद हम अप्लाई करेंगे एसटीओ के लिए। जो उनका जो पीरियड्स होगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, वो डिपेंड अपॉन एसटीओ, हम पे डिपेंड नहीं, वो सेक कंपनी अमेरिका की है उनके पे डिपेंड है। हम अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज हमें जो उन्होंने दी है उन्होंने अप्लाई करने के लिए 1 अप्रैल एंड ऑफ द मार्च। नहीं सर, आपने लिखा भी क्रू में जो प्रमोशन 2 लाख सिस्टम, आपको दोबारा 5 साल वेट करना पड़ेगा। जो कंपनी मतलब हर पांचवा बर्थडे में मनाती है, तो उसका मतलब आपको नेक्स्ट 10 साल यानी नेक्स्ट 5 साल प्लस कर लीजिए, 2024 के लिए वेट कर रहे हैं 2 लाख सिस्टम के लिए सर। अभी तो कंपनी को सोचा नहीं है। इंडिया मास्टर प्रॉफिटिंग सर, जनवरी से मैं टूर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसके लिए पर्सनली आपको जो हमारे प्रवीण सर जी मैनेजर हैं उनको आपने अपने नाम और लिस्ट देना है और किस एरिया में और किस स्टेट में करना चाहते हैं उसके में लिस्ट नेम चाहिए ताकि मैं ऑर्गेनाइज कर सकूँ आपके लिए बेस्ट लीडर्स, जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप फाइनेंशियल एजुकेशन, जिनको कहते हैं ना पूरी नॉलेज है टॉप की, वो आपके लिए इंडिया में लेके आ सकूँ। मतलब इसके लिए आपका सबका सहयोग चाहिए मुझे सर। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ जो चेंजेस होंगे आपको 30 नवंबर का जो हमारे इंद्रा अखड़ातो सर का जो वेबिनार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं फील कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वेबिनार है, सब लीडर्स ने उसको सुनना है ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले नेक्स्ट दिसंबर की। और एक आपको छोटी सी एक हिंट दे रहा हूँ, बताना मत किसी को, प्रोमिस कीजिए, उसके अंदर आपको बहुत बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अंतराय प्रोफेसर सर, सर सर जी का हमें अलाउड नहीं है। ओके सर, आईएनआर के लिए मैं ऑलरेडी 6 महीनों से पीछे दोबारा से फीस स्टार्ट कर दिया मैंने आईएनआर के लिए, आपको विद इन मंथ्स मतलब ज्यादा नहीं नेक्स्ट ईयर में आपको अच्छी खुशबू मिलेगी आईएनआर के लिए, तो पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो एक्स्ट्रा हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा आपको पेशेंस करना पड़ेंगे। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल सके, मैं सोल्यूशन पे ही काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी लीडर्स के पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ।
तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन निकले, और साथ में टेंशन लीजिए 2 महीने में बहुत कुछ आने वाला है, आपको इसका सोल्यूशन वैसे मिल जाएगा इंटरनेशनल बेस के ऊपर, वेट एंड वॉच। फुल फॉर्म ऑफ TNG, ट्रांसनेट ग्रुप्स और ग्लोबल। यस सर, आप फ्यूचर में कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, अभी नहीं, अब कुछ नहीं हो, जब तो हम एक्सचेंज करेंगे सब ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन फ्यूचर में अभी नहीं। सर इसके कभी करना, आप 30 नवंबर की न्यूज अंदर से कुछ सुनिए क्या होने वाला है, मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता, सॉरी मेरे पाबंदी है सर। कम टू क्वेश्चन बाजी सर, यस सर, संतोष भोसला जी आपने सवाल था मैं क्या सर मास्टर पर भी less than $1,000। सर कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पार्ट्स के अंदर बांट रहा हूँ, इसके लिए आपको मैं वेट करना पड़ेगा, मैं पार्ट्स के अंदर मास्टर पर कराना सोच रहा हूँ, जो 1 डे या 2 डेज की होगी और वीकली हो करेगी स्टेट वाइज, वीकली के मतलब वीकली, लेकिन उसके लिए भी आपको मैं तो आपको कल करा दूँ, चक्कर ये पड़ता है लीडर्स आगे नहीं आ रहे दोस्तों, मैं लीडर चाहिए जो मास्टर पर करना चाहते हैं, 1-2 लीडर 5-10 लीडर से नहीं काम चलेगा, मुझे एक कम से कम पूरा स्कूल चाहिए, कम से कम 100 लीडर चाहिए जो मास्टर प्रोफिट करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं आऊं और जब मैं लीडर्स बुलाऊं फॉरन से, उनको लगे भी हिंदुस्तान में लोगों की भूख है एजुकेशन लेने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए, आप पर डिपेंड है, मेरे पर डिपेंड नहीं, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सर प्रॉमिस करता हूं, लेकिन उसके लिए आप सबको लीडर्स आगे आना पड़ेगा। लीडर्स क्या करते हैं, 1-2-3 बस, 3-4-5 नाम आते हैं मास्टर ऑफी के लिए, वो आते कहां से, पूरे 29 स्टेट्स में से कल 5 नाम आते हैं, तो मैं कंपनी क्या बोलूं, मैं हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहता ही नहीं है, वो सब आप पे डिपेंड सर। TNG में सर्टिफिकेट प्लीज वन बाय वन कीजिए आप सर, आर वी बाइंग TNG एंड वी बाइंग स्विक्स चेयर्स। सर सब कुछ सिस्टम वही है, कुछ चेंज नहीं कंपनी किया, ओनली उन्होंने अपना रीब्रांड किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने अपना रीब्रांड किया, वो रीब्रांड के लिए आपका सिस्टम वही है जो पहले करते सिस्टम वही है, बस ओनली उन्होंने रीब्रांड किया है। सर नॉमिनी के लिए ऑलरेडी हमारे बैक ऑफिस में नॉमिनी के नाम दे रखे हैं, बाकी लीगल बेस पे जो नॉमिनीज हैं वो इंडिया के बेस में, मैं एक पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर ऐड कराने वाला हूं, जो वेबसाइट अपडेट करे कंपनीज के वेट कर रहा हूं, तो फ्यूचर में आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर मिलेगा बैक ऑफिस में, जिसे डाउनलोड करके आप फिल करके कंपनी सर्च कर सकते हैं, वेट एंड वॉच ओनली, फिर कह रहा हूं वेट एंड वॉच। सर प्रॉफिट मास्टर प्रॉफिट के रेट के काफी ज्यादा है, सर आपको लगता है ज्यादा है, लेकिन जिन जिन लीडर्स ने इसको एप्लीकेबल किया है उनके लिए कम है सर, आपको मैं अपनी खुद की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसको मास्टर भी कम से कम 4 बार किया है, और जो मैं स्टार्टिंग प्राइस थी मेरी $2,500 थी सर, $2,500 थी, उसको लेने की स्पेशल मैं रशिया में गया था बेलारूस मेंस के अंदर सर, उसके बाद मेरे में क्या मेरे साथ जो लीडर्स शुरू से जुड़े वो मैं खुद चेंज देख रहे हैं, ये सब बदौलत कैसे है मास्टर प्रोफी की बदौलत ही है। अगर आप पैसा ज्यादा देखते हैं, अगर आप काउंटिंग करें स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक कितना पैसा खर्च किया आपने, तो उसके बदले जो जो कीमत कंपनी ले रही है वो तो बहुत मतलब नाम मात्र है, मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है। सर स्काईवे कैपिटल सर आपको आपका लीडर्स बता सकते हैं जिन्होंने आपको इसके भाई जनरल दी है, स्काईवे एक ब्रांच है स्काईवे की बता रहा हूँ, इसके लिए फुल डिटेल्स आपको लेने के लिए पर्सनली मुझसे एजुकेशन लेनी पड़ेगी, वही कह रहा हूँ ना एजुकेशन लीजिए सेमिनार अटेंड कीजिए, इसलिए कहता हूँ सेमिनार्स में कोई आता नहीं है, अब हर जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, वाराणसी में हो रहा है अब 1 तारीख हो रहा है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में होता है अभी, अब कल मैं जलंधर देने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मास्टर एजुकेशन की, लेकिन आप लीडर्स आ रहे हैं, दिल्ली ऑफिस में हमारा ऑफिस खोला है, वहां कोई पर्सन आके राजी नहीं है, वो ऑफिस खोला किस लिए मैंने, आप सबके लिए खोला ना मैंने, क्या हो रहा है कंपनी नाम क्यों बदल रही है, कोई कारण तो होगा चीज के लिए यार, प्लीज बिग बिग पॉजिटिव दोस्तों, बड़ा सोचो छोटा सोचो।
सर आपको ऑफिस एड्रेस आपके बैक ऑफिस में शो कर रहा है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है बैक में लिखा हुआ रिप्रेजेंट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमारा हिंदुस्तान नाम है, अभी एक नाम है न्यू दिल्ली, अभी सेकंड नाम यूज होने वाला है मणिपुर, और थर्ड ऑफिस मैं हिंदुस्तान में कहाँ खोलूं वो आप पे डिपेंड है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में हर स्टेट्स में 29 स्टेट्स में ऑफिस हो हमारी कंपनी का। लेकिन उसके लिए फिर वो भी बात आती है एजुकेशन, फिर वो आप कहेंगे एजुकेशन महंगी बहुत है हर चीज मिली दोस्तों, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नो सर सीआरयू की आईडी आप नहीं भेज सकते, सॉरी नो, अभी रूल्स पॉलिसी नहीं है सर, सॉरी। सर जो कंपनी स्टेज आपको कह रहे हैं इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ 30 नवंबर की जो अंदराज सर की मीटिंग है आप 100% ज्वाइन कीजिए। फिर वही सवाल 30 नवंबर अंदराज सर बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकता, कोई जो चीज पूछ रहे ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओ को अलाउड बताने के लिए इसको 30 नवंबर क्या है 27 है ना साक्षी मैम? हाँ जी 27 है साक्षी, तो इसके मतलब 3 दिन और 3 दिन को पेशेंस रख लीजिए आपको हर चीज जवाब मिलेगा अंदराज सर, लेकिन शर्त ये है उनकी मीटिंग अटेंड करेंगे तो सब्र का फल। एक आप सबके लिए इतना कर सकता हूँ, बिल्कुल आपके इतना कर सकता हूँ, फिर आप सब कहेंगे सर तो इंग्लिश ही बोलते हैं वो ट्रांसलेट इंग्लिश में होगा, उसके बाद हम ऐसे करें नेक्स्ट डे ये साक्षी मैम ही हमारी हेल्प कर सकती है और तो भी लगता नहीं कि हेल्प करेगा मेरी, साक्षी मैम से रिक्वेस्ट है जिस दिन हमारा वेबिनार हो 30 नवंबर को नेक्स्ट डे प्लीज मैम आपसे रिक्वेस्ट है एक मीटिंग करेंगे दोनों मिलकर लोगों को पूरी संक्षेप में बताने के लिए। ठीक है जी, ओके मैम कैन यू हेल्प मी? बिल्कुल जी, थैंक यू। सर मार्च में सर इवेंट तो स्टार्ट शुरू हो चुके हैं सर इवेंट्स, अब जनवरी से मैं एक टूर निकाल रहा हूँ दोबारा से वंस अगेन टूर इन इंडिया ओनली मास्टर ट्रॉफी ओपन कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे ऑलरेडी लीडर्स अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल बेस के ऊपर, तो लीडर्स आप देख रहे हैं सेमिनार अटेंड कीजिए, बाकी कोई क्वेश्चन जो आप हो अब हम डेली जूम शुरू कर दिया हमने हर संडे को और हर वेडनेसडे को हमारे एक लीडर होगा जो जूम करेगा आपको पता ही है, अब मैं काम शुरू कर दिया और हर जूम के साथ मैं आपको 100% ये कहता हूँ कोशिश करूंगा उन लीडर्स के साथ उनका बैकअप देने के लिए, अब आपके क्वेश्चन आंसर जवाब देने के लिए, लेकिन उनमें से आप भी एक लीडर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरी कंपनी की तरफ से पूरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, फिर बात वही बात होती है कोर्स मतलब फिर मास्टर कॉफी फिर आप कहेंगे महंगे हैं। नहीं सर सीआरयू आप सब सोच रहे बेचने के लिए गलत, आपकी थिंकिंग गलत है, आपको जो मार्च के अंदर ना और 30 नवंबर के बाद अच्छी न्यूज उसके बाद मार्च के अंदर नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर जो खबरें मिलने वाली ना आप किसी लीडर्स ने उसको कहते हैं एक्सचेंज के बारे में पूछेंगे भी नहीं उससे, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ, किसी ये नहीं पूछना सर एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपकी जरूरत पड़ेगी इस चीजों के लिए, वो क्यों नहीं पड़ेगी आप समझदार हैं इस चीज को समझे कीजिए बातों को मेरी। सर नहीं 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 मार्च में 1 करोड़ कितने होगा ये नहीं बता सकता सर, ऑलरेडी हमें ऑलरेडी अक्टूबर में एक आर्मर सर ने एक प्रोडक्शन दी थी ओनली प्रोडक्शन 0.001 से, उसके बाद लोगों ने कहते ना उसे पकड़ लिया अभी कंपनी कहा था दिया कौन, नहीं नहीं अब से कोई प्रोडक्शन नहीं ओनली ऑफिशियल न्यूज, प्रोडक्शन देने में कह सकता हूँ ये हमारी चीज इतनी चाहिए, नहीं 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 ओनली ऑफिशियल न्यूज, और आप सब लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ ओनली ऑफिशियल न्यूज को ही फॉलो कीजिए प्लीज। सर सेमिनार्स के लिए आपको ध्रुव सर जी हैं जो हमारे कंपनी लीडरशिप काउंसिल के डायरेक्टर ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हैं, आप उनसे ध्रुव सर का नाम और लिस्ट दे दीजिए, अब ध्रुव सर से आपको पूरी नॉलेज देगी कहाँ कैसे होगा, ध्रुव सर से बात कर सकते इसके लिए, और बाकी प्रवीण सर जी हैं जो हमारे मैनेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर है उनके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनको अपने नाम लिखा सकते स्टेट वाइज, तो आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी उसके लिए। यस सर सबको ट्रांसफर लोगे फ्यूचर में अभी नहीं आपको तभी करो, हम क्यों कर रहे हैं रीब्रांड करने का मतलब क्या है, ये सब के सब आपके जो क्वेश्चन है या इसके सब के सब हम जवाब देने वाले हैं रीब्रांडिंग के बाद, तो रीब्रांडिंग के लिए प्लीज बी पॉजिटिव
बी पॉजिटिव रहने के लिए अपना माइंड ओपनिंग कीजिए. आपको आपको ये इमेजिन नहीं है आप किस कंपनी से काम कर रहे हैं. न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन वर्ल्ड आपका कोई मतलब इसकी पावर को जान नहीं रहा. या जब कंपनी ने हिंदुस्तान में 20,000 गैदरिंग कर दी, जब हिंदुस्तान जो कहा वो कर रही कंपनी, आपको चाहिए क्या? और एक से बड़ी बात, अब सब नेटवर्कर्स हैं, कभी किसी नेटवर्किंग के अंदर के सीईओ को देखा अपने लीडर से बात करते हुए दो दो घंटे? हमारे साथ अंदराय खुरातो सर हर मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारी क्लास लगती है दो दो घंटे तीन तीन घंटे. वो ये कहता भी जो मैं कहूं आप सच बोले, लोगों झूठ मत बोले. पूरी पारदर्शिता है हमारी कंपनी में और यही सबसे ज्यादा खास बात है. बिल्कुल बिल्कुल सर. आर वी पेइंग टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट? यस सर, हम जो कंपनी रजिस्टर्ड कही है मास्टर बॉय उसके थ्रू टैक्स कंपनी 100% दे रहे हैं सर, विद जीएसटी दे रहे हैं सर. भाई मैम प्रेजेंट फाइल सेंड हिम, ये तो साक्षी मैम का डिपार्टमेंट है, ये सेंड करें, इन पे डिपेंड है. हाँ जी, ये अभी कंप्लीट होते ही ना सर, मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग पक्का हर हाल में भेज दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, पक्की बात है. यस सर, मार्केट प्लान में से वही रहेगा जो शुरू चलता है, मार्केट प्लान नहीं बदलेगा सर. वेरी वेलकम जी. सर आपको सर्टिफिकेट ऑर्डर करने के लिए सिंपल स्टेप दोबारा यूज करना पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं है. अगर सबका ऑर्डर है वो एक टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट ही है दोस्तों. अगर आप एक एक आप सबके कंफ्यूजन दूर करता हूं मैम, एक जो क्वेश्चन मेशल में सुनने में आता है हर इवेंट्स के अंदर और हर वेबिनार के अंदर, कई लीडर ये कहते हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया, हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया, कंपनी से अब रीब्रांडेड हो गई है, पहले स्विक का नाम, स्काईवे का नाम. आप सबका एक थोड़ा माइंड ओपन करने ये कह रहा हूँ, जितने भी आपके सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं बैक ऑफिस के अंदर उसको आप प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि आज का वक्त है पेपरलेस, ठीक है ना. डिजिटल नंबर चलते हैं सर, उसकी उतनी वैल्यू है जितनी कागज की है. अगर एक चीज अगर अगर आप सब अच्छे गुड इन्वेस्टर हैं, अगर लाइफ के अंदर काम करते हैं, जैसे मेरे पास मैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जहाँ इन्वेस्टिंग करते हैं वहां के सर्टिफिकेट नहीं बोलते, उनके डिजिटल नंबर होते हैं. तो अगर आपके किसी के पास शो कर रहा है, अगर सर्टिफिकेट नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उस चीज को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके घर में रख लीजिए, उसी उतनी वैल्यू है जितनी उसकी ओरिजिनल की वैल्यू. और एक बात बोलता हूँ, आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं ना वो फाइनल नहीं है, वो अभी क्या है पाइप्स. आपको बाद साक्षी मैम ने क्या कहा था पाइप्स, आई एम राइट साक्षी मैम, आपने यूज किया होगा वर्ड इन्होंने जो बताया था पाइप्स, मतलब हमारी पहली कंपनी है जिसने मल्टीपल करेंसी एटीएम मशीन लगाई के है, और एस्टोनिया में इसका प्रूफ है. अब उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को हम लेके जा रहे हैं यूरोप के अंदर. नेक्स्ट हमारा जो विजन मिशन है वो हमारा है, विजन मिशन है इंडिया में लाने का, क्योंकि पहली करेंसी जिसे क्रिप्टो करेंसी साथ साथ फिएट करेंसी भी यूज कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन क्या क्या हम क्रांति लेके आ रहे हैं दुनिया के अंदर, किसके बदले? नीव के बदले, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ये पूछ रहे हैं सर स्काईवे और स्काईवे के बारे में कुछ अपडेट हो तो बताइए, क्रू और स्काईवे अलग अलग हो गया है क्या? यार वही फिर क्वेश्चन, नहीं दोस्तों स्काईवे क्रू अलग नहीं हुआ, आपको भी वही कह रहा हूँ. अभी मैम ने आपको क्या बताना, आपको वेडनेसडे हो इसीलिए कर रहे हैं, कोई चीज अलग नहीं हुई है, हर चीज पार्ट होता है, बस रीब्रांडिंग हुई है. रीब्रांडिंग कैसे? नाम बदला है. नाम कैसे बदला बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग शुरू से इसकी जानकारी रखते हैं, कंपनी थी 2014 में हमने जो पार्टनरशिप की थी हमने स्काईवे के साथ, एकेडमी में प्राइवेट इन्वेस्टर प्लस स्काईवे दोनों के मिश्रण बनके एक नई कंपनी पैदा हुई जिसका नाम था स्विग स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप. आई एम राइट, अगर इसकी बात क्लियर है तो एक नंबर एक दबाइए आप. गुड, अब ये बात सबको पता है, अभी
स्काईवे और एकेडमी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिक्सचर बनके बन गया स्विग, ओके ये ठीक है। जब हमने 2014 में काम शुरू किया था तब कंपनी ये नहीं पता था कि हमारे साथ वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हमारे साथ जुड़ेंगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तब कंपनी ये नहीं सोचा था हमारे साथ इतने लोग जुड़ेंगे, तब कंपनी ये नहीं सोचा था हमारे साथ इतनी क्रांति, इतनी दुनिया में हम क्रांति लेके आ सकते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तभी तो हमने एक स्काईवे को एक हेल्प करने के लिए उन्हें क्या करें, हमने ये मिशन दिया था एजुकेशन ओनरशिप एंड बिजनेस के जरिए काम शुरू किया था। लेकिन आज हमारी रीब्रांड इसलिए हुई है, आज हमारे से कम 60 कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं वर्ल्ड की। जस्ट मैं 260 कंपनियां, इसका मतलब हम 60 कंपनियों के को ऑनर्स हैं, और 60 कंपनियों को ऑनर्स का मतलब है हमें 60 जगह से प्रॉफिट होगा फ्यूचर में फॉर एवर जनरेशन टू जनरेशन। जस्ट इमेजिन है कहां एक के थे वो आज हम कहां के 60 कंपनियों के हैं, और इसका प्रूफ जिन्होंने गोवा में इवेंट ज्वाइन किया था, गोवा में जो कंपनी ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, अभी जहां साक्षी मैम थे हम सब थे, कंपनी हर चीज का प्रूफ दिया था सबके सामने स्क्रीन के ऊपर, आई एम राइट साक्षी मैम? बिल्कुल जी बिल्कुल, कंप्लीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है कंपनी ने, सारे लाइसेंस दिखाए, पूरा प्रूफ दिखाया, कहां कहां हमने निवेश किया हुआ है, फुकेट का भी सारी जगहों का प्लान बताया उन्होंने। और लास्ट क्वेश्चन एनीवन, 9:30 हो चुके हैं, मैं भी अभी ट्रैवलिंग करके आया हूं 8 घंटे की, समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए, और कृपया अगर किसी का अंतिम सवाल है आप बिल्कुल पूछ लीजिए, और इसके बाद अगला सेशन आगे करेंगे जी। सर आपने जो पूछा ना, कैन वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स और सीएल टोकन्स, वी हैव, सर आप उसको टैक्स नहीं भर सकते क्योंकि हम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, तीन चीजों पर काम कर रहे हैं, पहले बता रहा था सर एजुकेशन ओनरशिप बिजनेस, और हमने जो काम किया हमारा काम है फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, उसके बदले में आपको साक्षी मैम ने क्या था गिफ्ट में बोनस में आपको कोनोशी क्लब के टोकन मिल रहे हैं गिफ्ट्स के अंदर, ठीक है ना। अगर वो आप पे डिपेंड है इसको किस तरीके से उसके पे इनकम टैक्स रिटर्न बननी है नहीं बननी, आपके डिपेंड है सर, हम पे डिपेंड नहीं है, हमने आपको गिफ्ट्स में दे दिए वो चीज आपकी होगी, उसको क्या करना है वो आप पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड नहीं सर, हमने आपको देनी फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो सेमिनार्स होते हैं, प्लस उसके बाद जो हमने कंपनी ऑफिस खोला है मास्टर प्रूफिंग नाम से, वहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां पर प्रवीण सर जी आपको ट्रेनिंग दे देंगे। बिल्कुल जी सभी को मिल जाएगी। ओ वेट 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 वेट, यहां एक सर ने लिखा है मोहित जोहर, सर 6 लाख करोड़ पर डिविडेंड 2000 कब तक हो जाएगा, मैंने लोन लेकर। सर ये सबसे बड़ी गलती आपने की है सर, ये जो मोहित सर है, मोहित जोहर सर, सर आप कहां से पर्सनली मुझे फोन करना है, आपसे बात करना चाहता हूं, ये आप अकेले आप नहीं हिंदुस्तान में, मेरे हिंदू 2-3 वाक्य और भी सुने जिन्होंने लोन लेकर इस चीज में इन्वेस्ट किया है, ये सबसे बड़ी गलती की दोस्तों आपने, सबसे बड़ी गलती की लाइफ के अंदर, आपको इसका मतलब कंपनी का विजन मिशन पता ही नहीं है, इसका मतलब आप सबने माइंड के अंदर पैसा देखा हुआ है, ये सब कंपनी ने, इसीलिए हम कहता हूं कोर्स ज्वाइन कीजिए, कंपनी कहती है लाइफ के अंदर जितना आप कमा रहे हैं उसमें 10% सेविंग की है, 10% सेविंग्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाएं, हमारी कंपनी विजन मिशन यही है। लेकिन आप सबने क्या किया, लोगों के आपके अपलाइन आपके डाउन झूठ बोल के अपने कमीशन चक्कर में आपको कंपनी इन्वेस्ट करा दिया, और ये बोल दिया आज 1 लाख कल को लाख मिलेगा, दोस्तों नहीं, ऐसे काम लाइफ के अंदर नहीं होता। प्लीज लीडर, आप सबको मास्टर प्रोफी एजुकेशन बहुत जरूरत है सर, जैसे मैंने यूरोप के अंदर मास्टर प्रोफी एजुकेशन लिए, आज आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आप सबको लीडर सर, और आप सबसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, लोन पे लेकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज लीडर सर, इन्वेस्ट लाइफ में करना भी है अपनी इनकम के अंदर 10% सेविंग्स के अंदर, उसके अंदर से उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बिजनेस करा के उसको इन्वेस्ट किया जाइए, लेकिन लोन लेकर और कुछ चीज बेचकर, घर बेचकर, गहने बेचकर ये काम मत करिए, आपसे फिर रिक्वेस्ट करो, आपसे दिल से कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस आप इन्वेस्टर नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप एक लॉटरी सोच रहे हैं जिंदगी के अंदर, एक जैकपॉट सोच रहे हैं, नहीं सर लाइफ का जैकपॉट कभी नहीं होता, इस चीज इससे कहते हैं लॉन्ग टर्म चीजें।
अगर बिजनेस करना है बी ओपन माइंड, अगर इन्वेस्टर बनना है बी ओपन माइंड, प्लीज इस तरह कह रहा हूँ, प्लीज मास्टर कोई कोर्सेज कीजिए। मैं बार रिपीट कर, मास्टर कोर्सेज कीजिए। और अभी हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, जनवरी के अंदर मास्टर कोई कोर्सेज की मैं एक पूरा टूर निकालने वाला हूँ इंडिया के अंदर, इसीलिए इसका प्राइस भी मैं कम करूंगा, आपसे से प्रॉमिस करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि इस चीज की जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर। आप में से कितने लोग मास्टर प्रोफिस करना चाहते हैं, नंबर वन दबाइए। अगर जो मास्टर प्रोफिस कोर्स करना चाहते हैं लेस के अंदर, मैं से प्रॉमिस करता हूँ हिंदुस्तान में मास्टर प्रोफिस कोर्स की पूरी रेल लगा दूंगा मैं, और वो भी कम पैसों में। वेरी गुड, थैंक यू, क्या बात है, थैंक्स अ लॉट। आपको इसका इसका जल्दी जल्द दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ इसका जल्दी जल्द दूंगा आपको, इसे जल्दी जल्द दूंगा चीज के लिए, और पैसे भी कम करूंगा, उसके रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा आपको। और आपको प्रॉमिस करता हूँ जितनी भी एजुकेशन में ली है आपको, मैं अपनी तरफ से जितनी मैं उनसे ज्ञान लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको अपनी तरफ से आपको मैं आपको कोर्सी लगाया करूंगा, और हर वेबिनार कराया करेंगे मैं और साक्षी मैम मिलकर, और आपको सबकी एजुकेशन दिया करेंगे। सर यूजी पे से पेमेंट कब तक, यूजी पे पेमेंट कम से कम 2 महीने वेट करनी पड़ेगी आपको, यूजी पे के लिए प्रोसेस जारी है, 2 महीने वेट करना पड़ेगा। मार्च से डिविडेंस का पहले कहा था आपको, मार्च के अंदर जो अप्लाई करेंगे उसके प्रोसीजर जो होगा बताओ, लेकिन आपको डिविडेंस की चिंता मत कीजिए। एक आपको छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, लास्ट में कान यहां से पकड़ ली, कान वहां से पकड़ लीजिए, चीज मिलेगी, नाम चाहे जो भी हो, बस इसलिए ध्यान रखना। पहले कंपनी ने दिया लॉयल्टी, फिर दिया आपको प्रॉफिट बोनस, फिर उसका क्या मिलेगा, नाम जो मर्जी हो, हमें तो पूरी लगन के साथ बस मेहनत करिए, हमसे जुड़े रहिए और लोगों को हमसे जुड़िए, और कंपनी जो है वो खुले हाथों से सब कुछ आपको मुनाफा दे ही रही है और आगे भी देगी पूरे खुले। सर वो आपने कहा ना, सर ने स्काईवे, सर स्काईवे ग्रुप नहीं हमारे पास, हमारा ग्रुप है न्यू न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड। और सर रायपुर मीटिंग में तो बोला गया था, जब ड्रागो सर डिवीनी के लिए बोले थे, सर आपको मैं पहले कह रहा, अब से हम सब लीडर्स ने प्रोडक्शन देनी बंद कर दी। कारण क्या है, हमारी बातों को आप उसके गलत बंद नहीं कर, प्रोडक्शन होती है थ्योरीज, ये काम होगा अगर तब डिवीन मिलेगा, अगर कंपनी हमें ट्रिलियन टच करती है, मैं कहूँ ट्रिलियन टच अभी तक किया नहीं है। तो मैं ये भी कहता, अगर हम 30 बिलियन पहले फर्स्ट हाफ में बेच देते हैं, आपको सबको पता होगा, तभी हम इसके होगा। ऊपर से कंपनी ने अभी सर्वे निकाला था, सर्वे जितने लोग उसे रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपका नंबर मेरा जहां मर्जी ले लीजिए, हजार नंबर मिल जाएगा मेरे फेसबुक पे, जहां मर्जी ले लीजिए। आप सबसे एक चीज लास्ट टाइम छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ, अगर पूछ सकते हैं तो एक दबाइए। ओके, आप कंपनी रीब्रांड क्यों कर रही है, कॉपी और पेन ले लीजिए, एक बार एक लिखते जाइए प्लीज, सब कॉपी और पेन हाथ में पकड़ लीजिए, लिखिए साक्षी बोली सबको कॉपी पेन ले लीजिए, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कृपया आप सभी लोग एक पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, रीब्रांडिंग क्यों हो रही है कंपनी के अंदर, ये आपको अभी हैरी सर दोबारा बताएंगे, उसको सही प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। जिनको मेरी ये बात स्पष्ट सुनाई पड़ी और समझ में आई, एक दबाएं। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बोलूंगी, एक दबाएं जिन्हें समझ आई बात। आगे, वेरी गुड। नंबर एक, WWE इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, आई एम राइट, जिसका नया नाम है, पुराना नाम क्या है इसका, पता आपको कोई बता सकता है, WWE का पुराना नाम क्या था, वेरी गुड, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वेरी गुड, वेरी गुड लीडर्स, वेरी गुड। ये है ना मजे की बात, हिंदुस्तान में ये अब आता मजा काम करने का। नंबर दो, LG फुल फॉर्म लाइफ गुड्स, पुराना नाम क्या इसका, LG का नया नाम है लाइफ गुड्स, पुराना नाम क्या है, पुराना नाम ओल्ड नेम, वेरी गुड, गोल्ड स्टार, जिसने सवाल जो है, वेरी गुड, सही आदमी को, वेरी गुड, बिल्कुल सही, गोल्ड स्टार लकी है, गोल्ड स्टार, वेरी गुड। अब कहीं तो लगता है कंप्यूटर, कई फोन में चेक करूंगा, गूगल पे अभी देखना। ओके, इंस्टाग्राम का फुल ओल्ड नाम क्या है, पुराना नाम क्या है इंस्टाग्राम का,
जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, टाइम 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 देखना नहीं है किसी गूगल पे? नो आइडिया, नो नो और कुट, नो चटकुट सर। इंस्टा का पूरा नाम था बुर्बन, BURBN, लिख लिए आपको इस, मैं आपको ना एंड लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप इमेजिन करें आप किस कंपनी से काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप पूरे वेल ट्रेन नहीं होंगे लीडर्स तो आप दूसरों को एजुकेशन कैसे देंगे? अगर आप इसको नहीं समझ सकते हमारी इंपोर्टेंस क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम दुनिया में क्या क्रांति लेके आ रहे हैं, मैं आपको इस चीज पर लेके आ रहा हूँ, आपका माइंड ओपन करना चाहता हूँ। अगर कंपनी भाग रहा हूँ कंपनी कब की भाग जाती दोस्तों, लेकिन ये पता कंपनी हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन। मैं नहीं चाहता आपको, मैं हमेशा एक बात कहता था वेबिनार्स के अंदर दोस्तों, मैं मेरा सपना क्या है, मैं चाहे हिंदुस्तान में डॉलर आए और मैं करके दिखाऊंगा, आधा कर दिया अभी आगे प्रॉमिस करता हूँ हिंदुस्तान में डॉलर आएंगे, मेरी तरह किसी आम इंसान को हिंदुस्तान से बाहर पैसा कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सोचा आपसे जब तक मैं हूं। नंबर दो, इंस्टाग्राम का नंबर है बुर्बन ओल्ड नेम, पेप्सी का पुराना नाम, पेप्सी का ओल्ड नेम नहीं पता, पता? पेप्सी का ओल्ड नेम पेप्सी का ओल्ड नेम सर ब्रैड्स ड्रिंक, BRADS ब्रैड्स ड्रिंक, कोका कोला सर, नो 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 नो, देखा इसे कहते हैं लैक ऑफ इन। हाँ सर आपका जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, मैं सुभाजी कुमार मैसी पर्सन नहीं करता जरा, ये मैं डिसन दूसरी कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है मुझे पूछना, मैं कोई एक क्वेश्चन जवाब दूं लोगों जो कह रीब्रांड कंपनी क्यों करी बार बार। याहू, आपको छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, याहू गूगल अमेजोन नाइक इन सब के एक बार चेक करना ना इनके ओल्ड नेम क्या थे। और आज स्विग कन्वर्ट हो गया TNG.NEW के अंदर, न्यू नीव, न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी का वैल्यू कम हो गई है, कंपनी की वैल्यू डबल हो चुकी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कभी नाम बदला है किसी कारण बदला है, कोई कारण नहीं है, हमने कुछ बड़ा सोचने के लिए किया है, एक बिग सोचने के लिए है, उसलिए लिए नाम बदला है। अब इन कंपनी LG, इंस्टाग्राम, पेप्सी, जाओ गूगल, अमेजोन, इन्होंने नाम बदले क्या कंपनी फ्रॉड हो गई? आज अमेजोन नंबर वन पे जा रही वर्ल्ड के अंदर सेम हमने वही वैसे किया है। कुछ चीजें ऐसी होती है वक्त के साथ आपको पता चलेगी, उसी चीज दोस्त कह रहा हूं मैं, अपना ये चीज खोलो ओपन माइंड, नाम बदलने से कंपनी वैल्यू नहीं बदलती। अगर आज साक्षी मैम नाम बदलेगी साक्षी साक्षी ही रहेगी, इसकी क्वालिटी कैपेबिलिटी उतनी रहेगी, इसका नाम जो मर्जी रख लीजिए, आज मेरा नाम हरविंदर से जो मर्जी नाम रख लीजिए, पहले था हरविंदर सिंह यूरोप गया वहां बन गया हैरी, अब हिंदुस्तान वापिस नाम बन गया हरविंदर हैरी, कैपेबिलिटी उतनी है दोस्तों जितनी पहले थी, नाम बदले से बंदे के जो लेवल वो बदलता नहीं है, वही कंपनी का लेवल वही है, लेकिन विजन मिशन आप देना कंपनी कहां तक जा सकती है। नीव हमने क्यों वर्ड लिया, आपके भले के लिए लिया, इंटरनेशनल बीच पर काम करने के लिए लिया, आपको ये पता है जब चीजें बढ़ती हैं साथ में पॉजिटिव साथ में नेगेटिव ही पैदा होते हैं, और नेगेटिव क्या है मैं बताना नहीं चाहता, ये चीज आपने सोच ली नेगेटिविटी क्या होती है लाइफ के अंदर, अगर आप पे डिपेंड है, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तो बने रहिए और कंपनी ट्रस्ट कीजिए। धन्यवाद साक्षी मैम, थैंक्स अ लॉट, आप पे डिपेंड बाकी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का हमें सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके से सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाने के लिए वेबिनार के अंदर। आप सबके समय के लिए अभिनंदन करते हैं, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्द आपके साथ अगले सत्र में हम दोबारा मिलेंगे और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मैं जरूर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिन लोगों को ना मिल पाए वो कृपया मुझसे ऑनलाइन सपोर्ट पे ले लीजिएगा, मैं जरूर आप तक इसको पहुंचाऊंगी और YouTube चैनल पे भी बहुत जल्दी ये आएगी। तो आशा करते हैं आपको ये वेबिनार और कहीं भी सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी और आपके सभी सवालों का निवारण आप तक पहुंचा होगा। धन्यवाद आप सबका। हाँ जी दोस्तों, का जलंधर में का जलंधर पंजाब में एक ओपन कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो प्लीज आपके कोई भी लीडर जलंधर के अंदर है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, मैं वहां पर पर्सनली मीटिंग देने आया हूँ, पंजाब में आया हूँ, तो जलंधर में आपके जितने भी लीडर्स हैं
पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर, प्लीज उनको सेमिनार में बुलाएं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा, कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फर्स्ट 200 लोग पहले आएंगे उनके स्पेशल गिफ्ट लेके भी आया, जो फर्स्ट 200 लोग आएंगे अटेंड करने के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आया उनके लिए। और दूसरी चीज 30 नवंबर को अंदराय हकरौतसर का, प्लीज 30 नवंबर को अंदराय हकरौतसर का जो अपने वेबिनार है वो मिस मत करना। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू साक्षी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।